बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू हो चुका है। हम एक बार फिर से तमाम व्यूअर्स का दिल की उम्मीद गहराई से इस्तकबाल करते हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे। सुल्तान वॉरियर्स ने 155 रन बनाए हैं मुकर्रब 20 ओवरों में, तो 156 रन अब जीतने के लिए बनाने होंगे अहमद ब्रदर्स को। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर साकिब भाई। साकिब भाई, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया लवली भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले ही जो है बैटिंग करते हुए सुल्तान वॉरियर्स ने 155 रन बनाए, तो हामिद ब्रदर्स के लिए एक अच्छा टारगेट दिया है क्योंकि बहुत बड़ा मैच है। तो देखते हैं, हम मुंतजर पांड्या स्टार्ट करेंगे और स्ट्राइक पे होंगे साजिद आमला। और जी हां, उनकी पारंपरिक जोड़ी साजिद आमला अब स्ट्राइक पे होंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं, साजिद आमला एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है T20 फॉर्मेट के अंदर, और गेंदबाजी की कमान मुंतजर पांड्या को दी गई है। नई गेंद से वो गेंदबाजी करेंगे, उनके लिए स्लिप कॉर्नर एक लौता स्लिप गली पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट शॉट कवर लॉग ऑफ 30 गज दायरे के बाहर पहली गेंद, और इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था पॉइंट की ओर, और ये पहला रन इस पारी का। और इसी के साथ साजिद आमला ने भी अपना खाता खोला। जी हाँ, अब स्ट्राइक पे होंगे बुरहान। बुरहान एक यंग खिलाड़ी है, उनके लिए जो है फील्ड एक स्लिप एक गली और पॉइंट पे उमर केपी है जिनने आज ज़बरदस्त पारी खेली 40 रनों की। उसके बाद जुनैद डार जो कि तुर्क के इक्के होंगे यहाँ पर सुल्तान वॉरियर्स के लिए। मुंतजर पांड्या गेंद करेंगे बुरहान को, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अंदर आती हुई गेंद हैंडल पे लगी और बॉलर्स बैक थ्रू में। मुंतजर पांड्या ने फील्डिंग की, इनिंग का आगाज़ हो गया है और दो गेंदों के बाद एक रन और बिना किसी नुकसान के। और जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये पारी का पहला ओवर है। हालांकि साजिद आमला ने रनों की शुरुआत की है एक रनों से, हाँ, लेकिन बुरहान भी है युवा खिलाड़ी है, लेकिन ये आप सभी जानते हैं कि ये युवा वर्सेस युवा की लड़ाई है। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गली के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक था, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। गेंद दो टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। चार रनों के लिए बुरहान नबी के बल्ले से ये पहला चौका, और दूसरी पारी का भी ये पहला चौका निकलता हुआ। जी, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि बुरहान नबी एक टैलेंटेड यंग खिलाड़ी है, उन पे काफ़ी दरमदर रहती है बीसीसी रेड्स जो या हामिद ब्रदर्स की टीम। बुरहान नबी एक आक्रामक बल्लेबाज है, पहली ही गेंद से वो बॉलर्स पे प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखना होगा कि मुंतजर पांड्या उन पे किस तरह से प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि मुंतजर पांड्या भी एक यंग खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस बॉलर है। मुंतजर पांड्या गेंद करेंगे बुरहान को, अंपायर को क्रॉस किया, आगे गेंद, ज़बरदस्त गेंद, कीपर से फंबल होती हुई और गेंद गई बाई रन के रूप में। एक रन वहाँ हैदर अली पहुँचे और गेंद को फील्ड किया, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। ये पारी का पहला ओवर इस समय चल रहा है। अगर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को इस मैच में बने रहना है ना या जीतना है, तो शुरुआत ही विकेट और को लेनी बहुत ज़रूरी है अहमद ब्रदर्स की, खास तौर से साजिद आमला, क्योंकि ये खतरनाक लग रहे हैं। हालिया दिनों में जो उनकी फॉर्म है ना, बहुत ही कमाल की है। और जितने देर तक ये साकिब भाई मैदान के अंदर रहेंगे, रन गति को ये बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार बढ़िया पंच खेला, गैप में धकेला गया स्ट्रोक, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, आउटफील्ड अच्छा है, गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। चार रनों के लिए दूसरा चौका इस पारी का। जी हाँ, एक शानदार शॉट, पटकी हुई गेंद और हाशिम आमला के नाम से जो हम जानते हैं साजिद को, ज़बरदस्त पंच किया वहाँ कवर्स की दिशा में, एक और चौका, स्कोर पहुँचता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान पे। अभी इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी है। साजिद आमला को आप शॉर्ट गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ साइड पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। अब हैदर अली को स्लिप से निकाल कर शॉर्ट पॉइंट पे, शॉर्ट कवर पे लिया गया है। मुंतजर पांड्या ओवर की आखिरी गेंद, गेंद की आगे की मिड ऑन की ओर से खेला, यहाँ पर देखना होगा कि कितने रन बनेंगे। बिलाल पांड्या उसके पीछे, ज़बरदस्त फील्डिंग वहाँ पर बिलाल पांड्या की, बॉल को फेंका और कीपर ने कलेक्ट किया। एक ओवर के बाद स्कोर पहुँचता हुआ 12 बिना किसी नुकसान पे। जहाँ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बिना नुकसान के हामिद ब्रदर्स की टीम, उनकी सलामी जोड़ी इस समय बातचीत कर रहे हैं। बुरहान नबी एक युवा वर्षीय खिलाड़ी, उसके साथ साथ हाशिम आमला साजिद आमला बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों ने अब तक एक एक चौका लगाया है,
और तो एक अच्छी शुरुआत उनको मिली है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बिना नुकसान के, कहना पड़ेगा कि मुंतजिर पांड्या ने उतना बढ़िया ओवर नहीं किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। साकिब भाई, ये ज़रूरी है कि सुल्तान वॉरियर्स के लिए कि शुरुआत में ही विकेट दिलाए तो बेहतर रहेगा उनके लिए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर स्टार्ट में पावर प्ले में एक दो विकेट वो ले पाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि सुल्तान वॉरियर्स के पास ऐसे गेंदबाज है कि वो मैच को आगे ले जा सकते हैं। और यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए जो है निसार को बुलाया गया है, निसार को भी स्विंग मिलती है इनिंग के स्टार्ट में, आउट स्विंग के लिए वो जाने जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आसिम बशीर जो है उनके साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उनको यही बोल रहे होंगे कि विकेट अगर आप दिला सकते हैं हमें, वो भी बुरहान नबी या साजिद आमला में से किसी एक की, तो काफ़ी ज़्यादा वो प्रेशर में ला सकते हैं बीसीसी रेड्स को। निसार मलिंगा, निसार ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पारी का ये दूसरा ओवर बुरहान नबी के लिए, इस बार शॉट गए थे, बढ़िया स्ट्रोक है, शॉट स्क्वायर लेग के अंदर फील्ड जरूर किया गया, लेकिन एक रन से वहां रोक नहीं पाएंगे बुरहान को। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना नुकसान के। अब साजिद अबला स्ट्राइक पे आ रहे हैं। शौकत अली स्टेडियम बारामूला में हम आप तक ये लाइव प्रसारण ला रहे हैं। ये बिग बैश का दूसरा क्वार्टर फाइनल, बीसीसी रेड्स इस समय बल्लेबाजी कर रही है। इस बार बढ़िया गेंद, इस बार पुल करना चाह रहे थे लेकिन गति परिवर्तन किया था, इस बार ज्यादा कुछ मालूम नहीं था आबला के लिए। जी हाँ, गेंद जो है ऐसा लग रहा है कि साजिद जो प्रतीक्षा दे रहे हैं उससे यही लग रहा है कि गेंद काफ़ी फंस के आई। यही हमने देखा है सुबह से कि गेंद उतना बल्ले पे नहीं आ रही है। यहाँ पर निसार जो है वो यही चाहेंगे कि एक विकेट वो अपनी टीम को दिला दे। यहाँ पर आप फील्ड में देख सकते हैं कि कोई स्लिप नहीं, जुनैद डार जो है डीप पॉइंट पर खड़े थे, अब फील्डिंग में थोड़ा चेंज कर रहे हैं, जुनैद डार को जो है सर्कल से ही बाहर रखा है और उनके साथ साथ हाजिल जो है थर्ड मैन पे है। निसार गेंद करेंगे साजिद आमला को, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की पटकी हुई गेंद और एक बार फिर से कवर के ऊपर से अपना फेवरेट शॉट जो है साजिद का कवर के ऊपर से खेल दिया, एक और चौका, स्कोर पहुंचता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के। और साजिद आमला, इसको कहते हैं कि दहले पे दहला, और इसको शॉट कब थप्पड़ ज्यादा कहेंगे। शानदार ये प्रयास साजिद आमला का, क्योंकि साकिब भाई अगर आप साजिद आमला का लेखा जोखा आप तक उठाएंगे ना तो वी में ये बहुत बढ़िया खेलते हैं, खास तौर से स्क्वायर विकेट के बीच में खासे रन ये बटोरते हैं, और ये एक वजह रही है कि अच्छे खासे कामयाब हुए हैं। इन चार रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बिना नुकसान के हामिद ब्रदर्स की टीम। अगली बार निसार हाईवे से साजिद आबला के लिए फिर से, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, अपील बहुत बढ़िया हो रही है और निसार ने इसी के साथ पहली विकेट दिलाई। साजिद आबला निराश होकर अब वापस जा रहे हैं। जी हाँ, मैंने पहले ही बोला था कि आमला को आप अगर आगे गेंदबाजी करेंगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। खड़े खड़े ये आमला ने फिर से कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा हुआ लेते हुए गेंद विकेट कीपर आतिफ कबीर के दस्तानों में। अब जो है क्रीज पे आ गए हैं बीसीसी रेड्स के जो है वॉल, हम उनको बोलते हैं जड जी, जोहर गोजरी इनका पूरा नाम है लेकिन जड जी के नाम से ये काफी ज्यादा मशहूर हो गए हैं। फाइनल्स में जो है चैंपियंस ऑफ कप में उन्होंने 41 रन बनाए थे, जिसकी वजह से बीसीसी रेड्स ने जो है वो प्रतियोगिता अपने नाम की थी, तो काफी ज्यादा उम्मीदें यहाँ पे होंगी जड जी से। बिल्कुल साकिब भाई, सही कहा आपने, जड जी जो शोहरत मिली है उसको खास तौर से चैंपियन ऑफ चैंपियन कप 2021 में तमाम मैचों में जड जी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और मुझे तब से ये दिखने लगा है कि जड जी को आप प्रमोट किया है बल्लेबाजी में। अबूबल आप ये देख रहे थे कि उसको इस स्थान पे नहीं लगाया जा रहा था, उसको थोड़ा पीछे ही जुबैदार बल्लेबाजी की कमान सौंपने दिया जा रहा है, और लेकिन जो ही उनको लगा है ना कि ये बहुत बढ़िया फॉर्म में है, और सही किया है जुबैर ने, क्योंकि अगर आप उनकी फॉर्म का अच्छा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये उनके लिए अच्छी जगह मानी जाएगी। जी हाँ, सरजू जी जो है बहुत ही अच्छे प्लेयर है, दिलना से ही है और मैं भी दिलना से ही हूँ। तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो जड जी को वहाँ पे काफ़ी जो है यंग खिलाड़ी रोल मॉडल देखते हैं, लेकिन बीसीसी रेड्स में उन्होंने अभी तक ऐसी छाप नहीं बनाई थी, लेकिन पिछले दो तीन में क्या
बारी खेली जडजी ने, यहाँ पर निसार पहली गेंद खेलेंगे जडजी, निसार आए गेंद की, यहाँ पर करीबी मुकाबला, करीबी मुकाबला, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर नकारा, डाउन द लेग थी शायद गेंद, और यहाँ पर काफी निराश दिख रहे हैं आतिफ कबीर जो है उनके विकेट कीपर, वो विकेट पे बैठ गए हैं क्योंकि काफी करीबी मुकाबला था। निसार की जबरदस्त गेंद, अगर आप इनफॉर्म जडजी को बीट कर रहे हैं तो काफी अच्छी गेंद लगेगी, और यहाँ पर एक शानदार गेंद निसार के द्वारा, और काफी नजदीक का, काफी नजदीक की मामला भी लगा था साकिब भाई, ऐसा तमाम खिलाड़ी सुल्तान वॉरियर्स के अंपायर के बिल्कुल सामने आए थे, अपील कर रहे थे, लेकिन अंपायर के ऊपर इस बार कोई प्रभाव नहीं और उन्होंने इस अपील को नकारा है। ये पारी का दूसरा ओवर है, अब तक कुल मिलाकर 17 रन एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी साजिद अमला। तो फिर अंपायर को अच्छी यूनिफॉर्म लगा रही थी डियर, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसमें हमें लाइव प्रसारण की यहाँ जिम्मेदारी सौंप दी गई है, हम वही प्रयास कर रहे हैं अगली बार और दो विकेट, फिर से इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, बल्ले के बिल्कुल लक्ष्य भाग पे इस बार गेंद गई थी शॉर्ट कवर की ओर, वहाँ आरिफ कटारिया उनके कप्तान नजर आ रहे हैं। इस बीच रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ सफल ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन एक विकेट के नुकसान पर नवीद गराई सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान हमारे साथ नजर आ रहे हैं। डेड प्लब है यार, वाह नवीद गराई गुस्से खासा कर रहे हैं, हालांकि वो सऊदी अरब में हालिया दिनों में इस टीम का वो हिस्सा है इसीलिए नहीं नजर आ रहे। जवेद लोन, जार्जी लव यू, अयान सैद डबल अंपायर, और इस तरह की प्रतिक्रिया हमेशा हमें सुनने को देखने को मिलती है। अबीर मुर्तजा बिग फैन, बहुत बहुत शुक्रिया। ए आर मलिक, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बासु लास्ट टू ओवर में कितने रन बने हैं, दो ओवर में अब तक 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, सुल्तान वॉरियर्स जो है यहाँ पर अपने कप्तान जो है उनके नवीद गनाई, उनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होगी क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है इस वक्त, और हमारे साथ एक बड़े खिलाड़ी नॉर्थ कश्मीर के शेख फहीम जो है हमारे साथ जुट चुके हैं, और वो भी अपनी भाई वो भी अपनी प्रतीक्षा दे रहे हैं कि पलम था, लेकिन अंपायर का जो डिसीजन है उसको हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि आप भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, गलतियाँ तो होती रहती है। लेकिन मुंतजर पांड्या जो है वो गेंदबाजी करेंगे, अपना दूसरा ओवर काफ़ी महंगा रहा था उनका पहला ओवर, दूसरा ओवर करेंगे। फील्डिंग में आप देख सकते हैं कि डीप स्क्वायर लेग, वहाँ पे उमर केपी जो है उनको तैनात किया गया है, और उसके साथ साथ हाजिल जो है थर्ड मैन पे यहाँ पर मौजूद है। मुंतजर पांड्या गेंद करेंगे बुरहान को, पहली गेंद अंदर आती हुई, बारी किनारा यहाँ पर, कीपर से काफ़ी दूर, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। पिछले ओवर में मुंतजर पांड्या ने हैदर अली को तैनात किया था स्लिप में, अगर यहाँ पे हैदर अली मौजूद होते तो एक आसान सा कैच होता। और शेख फहीम जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे और लिख रहे हैं कि ही डज नॉट हैव एनी नॉलेज, और अगर शेख फहीम ऐसा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है हमारे लिए। फहीम भाई हरियाणा से हमारे साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन साकिब भाई जो क्रिकेट को जानते हैं उनको हमेशा गुस्सा आता है इन चीज़ों से, हालांकि लवली ओवर और हम खास तौर से कश्मीर सपोर्ट्स वॉचिंग टीम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं क्योंकि हमारा कार्य है लाइव करना, बाकी उन्होंने अपाय रखे हैं कहीं कहीं वो हमसे बेहतर जाते हैं, इसलिए उनको मैदान के अंदर लाया गया है। जी हाँ, हम देखते हैं कि बड़े मैच में भी कोई गलतियां होती है बड़े अंपायर से भी, लेकिन यहां पर देखना होगा कि मुंतजर पांड्या किस तरह से वापसी कर पाते हैं। दूसरी गेंद अंदर आती हुई गेंद, ये बाल बाल बच गए बुरहान, और जबरदस्त विकेट कीपिंग यहां पर आतिफ कबीर के द्वारा, उनके पीछे जो आप लिख सकते हैं कि एक के लिखा हुआ है आतिफ कबीर जो है सुल्तान वॉरियर्स के जो है वाइस कप्तान है, और जबरदस्त विकेट कीपिंग, बाल बाल बच गए यहां पर बुरहान नबी, अंदर आती हुई गेंद, और अभी भी यकीन नहीं हो रहा आतिफ कबीर को कि ये विकेट से कैसे चूक गई। तो मुंतजर पांड्या की जबरदस्त वापसी, पहली गेंद उन्होंने बाहरी किनारा निकाला था और इस गेंद में अंदरूनी किनारा, और विकेट्स को बाल बाल बच गए यहाँ पर बुरहान नबी। मुंतजर पांड्या ओवर की तीसरी गेंद, सामने बुरहान, गेंद की अंदर आती हुई गेंद, आराम से खेला यहाँ पर, पॉइंट पे जुनैद डार मौजूद, और जबरदस्त फील्डिंग वहां पर जुनैद डार से। हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी कमेंटेटर शौकत भाई भी जुड़ चुके हैं, और इस बीच हमारी बारामूला की शान जुड़ चुके हैं, वॉइस ऑफ बारामूला किफायत भाई हमारे साथ नजर आए। किफायत भाई स्वागत आपका।
जी हाँ, किफायत भाई जो है सबके जो है आइडल है कमेंट्री में, और यहाँ पर मुंतजर गेंद करने के लिए आए, अंदर आती हुई गेंद, लेकिन क्लियरली दिख रहा था कि डाउन द लेग जा रही है, और लेग बाय की सूरत में एक और रन स्कोर पहुंचता हुआ 22 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। हमारे साथ जो है शौकत भाई भी जुड़ चुके हैं, अब हम शौकत भाई के हाथ माइक देंगे और वो अपनी प्रतीक्षा जाहिर करेंगे। शुक्रिया साकिब, जिस तरह से आपने कहा कि वॉइस ऑफ बारामूला किफ़ायत आफ्ताब, हमेशा मैं उनका जो मोरल है ना वो हाई इसलिए रहता है क्योंकि मैंने उनसे सीखा है, मेरे आइडल है किफ़ायत आफ्ताब। मुंतजिर पांड्या के सामने है जर्जी, आप सुन के काफ़ी बार अंपायर ने अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए, वाइड गेंद का इशारा, स्कोर 23 रन एक खिलाड़ी आउट, बड़ा झटका दिया यहाँ पर हामिद ब्रदर्स की टीम को साजिद आमला के रूप में। तो कुछ हद तक जिस तरह से पारी खेली थी चैंपियन सब चैंपियन कप में जर्जी ने, उसके बाद उनको हमेशा प्रमोशन मिलती है। लवली, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में, क्योंकि मैंने देखा कि जर्जी 5 या 6 नंबर बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन जिस तरह से उनने बल्लेबाजी की थी चैंपियन कप के सेमीफाइनल में, तो लगातार उनको प्रमोट कर रहे हैं 3rd या 4th नंबर पर जुबेडार। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है उस सोपोर के मैदानों में, खास तौर से हालिया दिनों में, और कहना ये पड़ेगा कि फॉर्म से वो लगातार नजर आ रहे हैं, और जुबेडार उसका पूरी तरह से फायदा उठाते हैं क्योंकि इसलिए उसको प्रमोट किया जा रहा है। वो जानते हैं कि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ही होगा क्या इस मैच में भी वो उस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। ये पारी का 3rd ओवर है, कुल मिलाकर 24 रन एक विकेट के नुकसान पर। मुंतजिर पांड्या ओवर द विकेट, इस बार लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथों से गेंद को खेलने का प्रयास किया था, इस बीच रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ। आपने प्रमुख बल्लेबाज जहांगीर बख्शी और जहांगीर लोन को अभी भी आना बाकी है, क्योंकि उनको विश्राम इसलिए दिया गया है कि वो चाहते हैं कि जर्जी यहाँ पर इनिंग्स को बिल्ड करे, क्योंकि बड़ा टारगेट तो नहीं मिला, जो 55 रन होते हैं बड़ा भी नहीं होता है, इसलिए जर्जी को प्रमोट किया है 3rd पे। इस गेंद को आगे आकर खूबसूरत अंदाज में खेला है, हालांकि प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी, फील्डर को बीट नहीं कर पाए, लेकिन एक रन बनाने का मौका भी था, एक रन आसानी के साथ लिया है, 3 ओवर का खेल मुकम्मल, स्कोर 25 रन एक खिलाड़ी आउट। एक बड़ा नाम साजिद आमला, हमेशा पावर प्ले में बड़ा योगदान देते, लेकिन आज निराश किया है हमारे व्यूअर्स को साकिब। जी हाँ, साजिद आमला जो है उन पे काफ़ी दर मदर रहती है बीसीसी रेड्स की टीम, वो एक ताबड़तोड़ शुरुआत, जिस तरह से रोहित शर्मा इंडिया के लिए एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डिस्कशन में पड़ गई है सुल्तान वॉरियर्स की टीम, क्योंकि जानते हैं कि वो अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो विकेट्स आपको लगातार इंटरवल्स पे लेनी होंगी। यहाँ पर निसार जो है अपनी गेंदबाजी चालू रखेंगे, और सामने है उनके इनफॉर्म जर्जी। जर्जी ने अभी एक पिछले ओवर में एक शानदार कवर ड्राइव खेला था एक रन के लिए, और अगर जर्जी इसी अंदाज से खेलते हैं, क्योंकि टारगेट उतना बड़ा भी नहीं है, तो बीसीसी रेड्स की टीम जो है वो आराम से इस लक्ष्य को चेज करेगी। तो वही जो है आसिम बशीर इस वक्त निसार मलिंगा को समझाते हुए कि आपको एक और विकेट हमें दिलानी होगी। पिछली बार जब आसिम बशीर ने निसार से बात की थी तो उन्होंने साजिद आमला की एक बड़ी विकेट ली थी, तो देखते हैं कि इस ओवर में क्या कर पाते हैं निसार। 3 ओवर के बाद 25 रन लवली बाई। ये 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, रन रेट खासी अच्छी चल रही है, 8.1 की ओर से रन बना रहे हैं, जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 7.5 की है, लेकिन विकेट लेने चाहेंगे यहाँ पर सुलभ यकीन है, और ऊपरी किनारा देख रहे खिलाड़ी गेंद के नीचे है, और काफी खूबसूरत शानदार कैच लपका है वहां पर आसिम बशीर ने। जर्जी के इनिंग्स का खात्मा, बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने मोटा किनारा गेंद गई हवा में, और वहां पर शॉर्ट कवर पर एक अच्छा कैच लिया है आसिम बशीर ने, शानदार कैच लिया गया। और जर्जी को अगर आपको आउट करना है ना, तो इसी तरह के कैचेस आपको हमेशा लेने पड़ेंगे, और लेकिन अहमद ब्रदर्स की जो टीम है ना वो थोड़ा सा अब मुश्किल में यहाँ फंस चुकी है। जर्जी के आउट होने के बाद वादिया कश्मीर का कोहिनूर जहांगीर लोन मैदान के अंदर आ चुके हैं। जिस तरह से निसार अहमद खांडे ने कुमेंट में कहा था कि जहांगीर लोन आज एक अच्छी इनिंग्स खेलेंगे, तो यकीनी तौर पर जरूरत है आज टीम को कि एक बड़ी इनिंग्स खेली, अगर ये मैच जीतना है तो जहांगीर लोन का बल्ला आज चलना चाहिए, लेकिन उतने ही
मुस्तनद और काफ़ी डिस्कशन में लगातार सुल्तान वॉरियर्स की पूरी टीम, वो यही चाहेंगे कि जहांगीर लोन को जल्दी से पवेलियन का रास्ता दिखाएंगे। और जी हाँ, जहांगीर लोन की एंट्री अब मैदान के अंदर हो चुकी है और ये देखना पड़ेगा कि अगर जहांगीर लोन यहाँ किसी प्रकार से अच्छा खेल नहीं रहेंगे ना तो फिर दिक्कतें नजर आएगी अहमद ब्रदर्स के ऊपर। जी हाँ बिल्कुल, जहांगीर लोन को कौन नहीं जानता, सबके आइडल है, लेकिन इस वक्त प्रेशर सिचुएशन में आ गया है। 25 पे 2 विकेट और जहांगीर लोन क्रीज पे। इस बार स्ट्राइक चेंज होने के बाद बुरहान नबी जो है सामना करेंगे निसार का। निसार आज शानदार लय में लग रहे हैं, 2 विकेट उन्होंने हासिल की। अगली बार गेंद की बाहर निकलती हुई गेंद, जबरदस्त विकेट कीपिंग वहां पर आतिफ कबीर की, क्योंकि काफी नीचे रही थी गेंद। और इस डॉट बॉल के साथ स्कोर मुकम्मल 25 रन और 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 131 रन की दरकार हामिद ब्रदर्स बारामूला को। ये पारी का चौथा ओवर है। वादिया कश्मीर का कोहिनूर जहांगीर लोन इस समय नो सिकिंग एल्ट पे मौजूद है। लगभग 450 हमारे साथ नजर आ रहे हैं। हम उनसे विनती करते हैं कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर जरूर कीजिए। इस बार ऊपरी किनारा लगा था, गली के ऊपर से गेंद गई थी, थर्ड मैन का खिलाड़ी अब दौड़ रहे हैं, काफी नजदीकी मामला लगा था लेकिन खिलाड़ी गेंद के ऊपर नहीं दौड़ पा रहे हैं क्योंकि काफी आगे उनकी गेंद गिरी थी, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी शौकत भाई, जिस तरह से गेंद डाली थी जर्जी को उसी तरह का प्रयास किया था वहां पर, लेकिन खुशकिस्मती यही है बुरहान नबी की गेंद ने मोटा किनारा लिया और गेंद गई गली क्षेत्र के ऊपर से, तो बाल बाल बच गए यहाँ पर बुरहान नबी भी। अब जैक लोन सामना करेंगे पहली बार निसार का, अंपायर से गॉड लिया है, पिच का मुआयना कर रहे हैं और जिस तरह से बड़े खिलाड़ी की यही निशानी हो कि पिच को देख रहे हैं, खिलाड़ी भी देख रहे हैं कि किस जगह कौन खिलाड़ी रखा है। लगभग हमारी आवाज हमारे व्यूवर्स तक पहुंच रही है। इससे पहले 350 थे, अब 400 से अधिक। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आप इस आंकड़ों को जरूर बदलेंगे। अगली बार सामना करेंगे जहांगीर लोन। इस बार बढ़िया गेंद थी, बल्ले से खासा नजदीक की गेंद गिरी थी और बहुत बढ़िया गेंदबाजी नजर आ रही है जहूर के द्वारा। जी हाँ, अगर जहांगीर लोन को आप इस तरह की गेंद पे चकमा देते हैं, जहांगीर लोन जो है अपना हेलमेट चेंज कर रहे हैं, शायद उनको गेंद दिखी नहीं, लेकिन बल्ले के काफी करीब से निकली गेंद और यहाँ पर बाहरी किनारा भी लग सकता था। अब आप देख सकते हैं कि जहांगीर लोन जो है उन्होंने हेलमेट निकाल कर कैप पहन ली है तो ताकि बैटर जो है उनको बॉल दिखे। यहाँ पर निसार लेकिन आज एक शानदार लय में लग रहे हैं, 2 विकेट ले चुके हैं और जहांगीर लोन को पहली गेंद पर बीट कर लिया है निसार। अगली बार गेंद करेंगे जहांगीर लोन को, गेंद की पुल कर दिया यहाँ पर मिड विकेट के दिशा में, वहां पर उमर केपी मौजूद। जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे तब तक जहांगीर लोन ने 2 रन मुकम्मल किए और स्कोर पहुंचता हुआ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और जिस तरह से हम अपना कार्य करते हैं कश्मीर सपोर्ट्स के वॉच के माध्यम से कश्मीर क्रिकेट को आगे बढ़ाने का, और उसी तरह से आप भी शेयर करें इस पहल में, आप भी हमारा साथ दें। हमें उम्मीद है कि आप 500 का आंकड़ा अभी भी पूरे करेंगे, हालांकि आपके हित में बहुत कुछ है अगर आप कर पाएंगे तो। ये पारी का चौथा ओवर है, कुल मिलाकर 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार जहांगीर लोन के लिए हल्के हाथों से केवल प्लेस भर दी थी, जब तक गेंद को फील्ड कर पाते एक रन बनाने का मौका। शानदार ओवर समाप्ति के बाद, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शौकत भाई किस तरह से इस शुरुआत को देख रहे हैं? मेरा मानना है कि एक अच्छी शुरुआत मिली है सुल्तान वॉरियर्स को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया शुरुआत हम कहेंगे, हालांकि रन रेट जो है ना काफी हद तक अच्छी चल रही है। 4 ओवर में 29 रन बने हैं, 8 के उससे रन बना रहे हैं, लेकिन जहांगीर लोन की विकेट उनको चाहिए। अगर ये मैच अपने नाम करना चाहेंगे यकीनी तौर पर जहांगीर लोन को जल्दी चलता करना होगा, नहीं तो वो मैच का रुख हमेशा 12 या 13 ओवर में ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये जो विकेट है उनके लिए हमेशा राज आई है। हमेशा यहाँ पर अच्छी इनिंग्स खेली है जहांगीर लोन ने, उम्मीद रहेगी आज यही कि वो एक अच्छी इनिंग्स खेली अपनी टीम को वो कुछ हद तक जीत दिलाने में कामयाब रहे। और व्यूवर सभी चाहेंगे कि जहांगीर लोन का बल्ला चले, लेकिन सुल्तान वॉरियर्स ऐसा कत नहीं सोचेंगे यहाँ, क्योंकि उसकी विकेट काफी कुछ निर्भर करेगी। और जहांगीर लोन का एक तरह से अगर घरेलू मैदान में इसको कहे तो ज्यादा कोई गलत नहीं होगा कहने में, क्योंकि बचपन की सारी क्रिकेट वो इसी मैदान में खेल चुके हैं, बले पड़े हैं इस मैदान में। जी हाँ बिल्कुल, अब उनके सामने होंगे मुंतजर पांड्या,
मुंतजर पांड्या आज उस लय में नहीं लगे हैं। हालांकि काफ़ी अच्छी गेंदें उन्होंने डाली थी, लेकिन जिस तरह से वो विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं पावर प्ले में, इसलिए उनको तीसरा ओवर दिया गया है क्योंकि बड़ी विकेट सामने है। मुंतजर पांड्या गेंद करेंगे जहांगीर लोन को, गेंद की आगे गेंद, और देखिए मैंने पहले ही बोला था कि बड़े खिलाड़ी उनके सामने है। मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का यहां पर जहांगीर लोन के बल्ले से, इसी के लिए जाने जाते हैं जैक लोन। और पहली गेंद मुंतजर पांड्या की मिड विकेट के ऊपर से बाहर फेंकी, स्कोर पहुंचता हुआ 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे। हवाई फायर यहां कोई नूर के बल्ले से, और क्या शानदार संपर्क शौकत भाई। मैंने पहले ही कहा कि ये ऐसे खिलाड़ी है ना जो मैच का रुख अकेला बदल सकते हैं, और सुल्तान वारियर्स को चाहिए कि जहांगीर लोन के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करें, नहीं तो यह मैच 12 या 13 ओवर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर लोन ऐसे खिलाड़ी है जो अकेले दम पर मैच जिताने में महारत रखते हैं। और इस बार अच्छी वापसी वहां मुंतजर पांड्या की ओर से, क्योंकि पड़ने के बाद जिस तरह से गेंद हरकत की थी, उछाल ली थी, और जहांगीर लोन पूरी तरह से खेलने में कामयाब नहीं हुए थे इस बार। हालांकि एक छक्का उनके विरुद्ध उन्होंने जरूर लगाया है, लेकिन उसके बाद युवा खिलाड़ी की बहुत बढ़िया वापसी भी। ये पारी का पांचवा ओवर है, कुल मिलाकर 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, थप्पड़ जैसा गली के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। वाह क्या स्ट्रोक था, थोड़ी सी जगह मिली स्ट्रोक के लिए और गेंद को बेच दिया है पॉइंट और गली के ऊपर से बोर्ड लाइन पर 4 रनों के लिए। इस ओवर में लगातार दो बड़े स्ट्रोक जहांगीर लोन के बल्ले से निकलते हुए, जब भी खराब गेंद मिलते हैं उन पर टूट पड़ते हैं, पूरी तरह सबक सिखाते हैं इन गेंद पर। काफी हद तक नाराज है मुंतजर पांड्या, और जो हमारे खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स ऑफिशियल स्पॉन्सर है, बिल्कुल उसी ब्रांड का वो उपयोग करते हैं, हमारे परिवार का जहांगीर लोन हिस्सा है। अगली बार फिर से, इस बार बढ़िया गेंद पड़ने के बाद नीची रहती हुई फॉलो थ्रू में खेला गया स्ट्रोक, मुंतजर पांड्या ने गेंद को फील्ड किया। इस बीच रन में कोई इजाफा नहीं होता हुआ स्कोर ठहरा हुआ 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, जहांगीर लोन जो है आज पहली गेंद से लय में लग रहे हैं। इस ओवर में उन्हें एक चौका और एक छक्का भी मार लिया है। अब जहांगीर लोन जो है सामना करेंगे मुंतजर पांड्या का। मुंतजर पांड्या एक यंग खिलाड़ी, कमबैक को देख रहे होंगे। मुंतजर पांड्या गेंद की और जबरदस्त गेंद, हल्के हाथों से खेला, वहां पर रनआउट होने की कोशिश, लेकिन जहांगीर लोन ने एक रन कंप्लीट किया, स्कोर पहुंचता हुआ 40 रन और 2 विकेट के नुकसान पे। जहांगीर लोन जो है काफी ज्यादा आज टच में लग रहे हैं और काफी डेडिकेटेड लग रहे हैं। लगातार वो बुरहान से जो है बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे होंगे कि आप विकेट थ्रो ना करें, यही एक बड़े खिलाड़ी की जो है निशानी होती है। आखिरी बार इस ओवर में मुंतजर पांड्या अभी तक काफी महंगे रहे हैं। मुंतजर पांड्या जिस कार्य के लिए उनको बुलाया गया था वो आज वो नहीं कर पाए। आखिरी गेंद सामना करेंगे बुरहान नबी, गेंद करने के लिए आए, गेंद की अंदर आती हुई गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पर कप्तान आरिफ कटारिया मौजूद, तब तक एक रन और स्कोर पहुंचता हुआ 6 ओवर के बाद 41 रन। बहुत अच्छी शुरुआत मिली है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को, जिस तरह की वहाँ गेंदबाजी अब तक रही है। हालांकि जहांगीर लोन ने पिछले मैच में एक छक्का एक चौका जरूर जड़ा है, लेकिन किसी हद तक शौकत भाई ये भी कहना पड़ेगा कि सुल्तान वॉरियर्स ने ठीक ठाक की गेंदबाजी अब तक की है। बिल्कुल अच्छी बल्ले गेंदबाजी की है सुल्तान वॉरियर्स के गेंदबाजों ने, लेकिन जो 2 गेंदें किए थे अभी मुंतजर पांड्या, उसके अलावा बाकी जितने भी गेंदें किए हैं वो कुछ हद तक अच्छी की है। शौकत अली स्टेडियम बारामूला एक जाना पहचाना नाम है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको इतनी बार क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि तमाम जो क्रिकेटिंग शौकीन होते हैं लगभग इस मैदान को, लगभग ऐसा कोई नहीं होगा जो इसको नहीं जानता होगा, क्योंकि नेशनल हाईवे के बिल्कुल बगल में ये मैदान, और लवली जो हमारा कैमरा है वो भी बिल्कुल हाईवे की तरफ से दिख रहा है, तो आपको खुद पता चला होगा कि हाईवे आगे से गुजरे है, तो यकीनी तौर पर ये शौकत अली स्टेडियम ही होगा। जहांगीर लोन का बल्ला आज बोलना चाहिए, क्योंकि बिलाल मागरे जो जहांगीर लोन के इलाके से बिलोंग करते हैं नोपुरा के, उसके हमसाए वो यही चाहते हैं कि जहांगीर लोन का बल्ला आज बोले। अब पावर प्ले अब समाप्त हुआ है, लेकिन अब नियम अनुसार 5 खिलाड़ी आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। हम अपने तमाम व्यूवर्स का दिल की उम्मीद गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह से वो हमारे कहने पे
अच्छा खासा योगदान देते हैं। हालांकि अभी भी 500 से अधिक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी दिल की ख्वाहिश है कि आप इस आंकड़ों को ज़रूर बढ़ाइएगा अपनी शेयर के साथ। निसार को लगभग गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो बिल्कुल अब कश्मीर सपोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोर से गेंदबाजी ओवर द विकेट करेंगे। बुरार के लिए इस बार झुककर स्ट्रोक खेला था डीप स्केर लेग की ओर से, जब तक गेंद को फील्ड किया गया एक रन आसानी के साथ उन्होंने पूरा किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, वो जानते हैं कि मेरे साथ वादी कश्मीर का कोहिनूर जहांगीर लोल इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब पैर से इस समय वो गॉड लेते हुए आप अपनी स्क्रीन के सामने स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, जहांगीर लोल इस समय स्ट्राइक पे नजर आ रहे हैं। एक छक्का एक चौका अब तक लगाने में वो कामयाब हुए हैं। अब तक 42 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। ये पारी का सातवां ओवर, निसार ओवर द विकेट। इस बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन बैक फुट पर जाकर पुल किया था, शॉर्ट ऑफ पुल जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन इस बार गैप ढूंढने में वो कामयाब नहीं हुए। शॉर्ट मिडिल विकेट पे जुड़े डार वहां नजर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को पूर्व अनुमान के साथ गेंद को रोक दिया था। हालांकि रन गति में कोई इजाफा नहीं होता हुआ, निसार अब तक एकमात्र गेंदबाज जरूर है दो विकेट लेने में कामयाब अब तक हुए हैं। अगली बार फिर से, इस बार बॉलर उसके सर के ऊपर से जैकलोड के बल्ले से, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई चार रनों के लिए। जहांगीर लोल ऐसा लग रहा है शायद आज इस मैच के अंदर वो पूरे लय में नजर आ रहे हैं। हाँ, जहांगीर लोल मन बना के रहा है कि आज अच्छी इनिंग्स खेलनी है, क्योंकि दो बड़े विकेट उन्हें गंवाए हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी धर्मदार है, एक रेस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेलनी होगी, तभी वो इस मैच को अपने नाम कर पाएंगे, तो वही करके दिखाएं। लेकिन दूसरी जानब से निसार का यही प्रयास रहेगा कि वो जहांगीर लोन का विकेट हासिल करे। एक अच्छी गेंद थी, पटकी गेंद थी, लेकिन इस गेंद को डिफेक्ट किया है जूनियर डार की तरफ से। जहांगीर लोन का बल्ला आज बोल रहा है, क्योंकि ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को सम्मान दिया है, लेकिन फिर भी एक रन जोड़ने में कामयाब हो गए। इस एक रन के हिसाब से स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, दो खिलाड़ी आउट। पारी का एक छठवां ओवर प्रगति पर है। ब्रॉन नबी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, युवा खिलाड़ी है 15 साल के ब्रॉन नबी, साथ दे रहे जेक उनका। ये गेंद थी, इस गेंद को तिरछे बल्ले से गाइड करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुई गेंद है विकेट कीपर एक के दस्तानों में। तो कुछ हद तक ये अच्छी गेंद थी, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी करे जैक लोन, ब्रॉन नबी पर कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, वो हमेशा अच्छे गेंदों का सम्मान दे रहे हैं, जब भी खराब गेंद मिलती है उन्हीं गेंदों पर रन बटोर रहे अपने टीम के लिए ब्रॉन नबी। निसार अगली मर्तबा एक बार फिर कॉलेजन से सामना करेंगे बल्लेबाज ब्रॉन नबी। ये चले तेज हुए, किसी को टारगेट मार दिया है, थर्ड में खिलाड़ी मौजूद और अच्छी फील्डिंग की, वहां पर दूसरा लेने चाहते थे ब्रॉन नबी, लेकिन मना किया, वहां पर जैक लोन ने सही समय पर वापस भेज दिया है जहांगीर लोन ने ब्रॉन नबी को। अच्छा फैसला, नहीं तो अन्यथा एक विकेट यहां पर मिलती सुल्तान वारियर्स की टीम को। पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है, स्कोर 48 रन, दो खिलाड़ी आउट, 8 की अवसर रन बना रहे हैं, जबकि जो रिक्वायर्ड रन रेट आप रही है 7 की। तो एक अच्छे उभरते हुए जी हाँ, 7 ओवर की समाप्ति पे लगभग 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, और आउट होने वाले खिलाड़ी जड़जी, जिन्होंने आज खास कुछ योगदान नहीं दिया है अपनी टीम के लिए, उनके साथ साथ साजिद आमला, हालांकि 2 चौके लगाने में वो कामयाब जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है कुछ अच्छा नहीं है, कहना ही पड़ेगा। निसार मलिक कोलकाता से नजर आ रहे हैं, राह वाह बाई लव यू जहांगीर लोन। बिलाल मागरे, थैंक यू शौकत सब, मंजूर मुजफ्फर, आदिल खान भी नजर आ रहे हैं, बिलाल बिन ये भी हमारे साथ इस समय अच्छा खासा संपर्क उनका बनाया रहा है हमारे साथ। गोजियम शाह, वो गुप्त स्पोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान, लेजेंडरी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, इस मैच का वो आनंद ले रहे हैं। वादिया कश्मीर का कोहिनूर जहांगीर लोन इस समय मैदान के अंदर मौजूद है, और उनके साथ साथ बुरान नबी, जो युवा वर्षीय खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। आमिर कश्मीरी, लव यू लवली, लव यू टू, ये तो इमरान भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, लव यू जैक लोन, खर्शीद खान हाई, सोहेल मंजूर लोन सेल्फी
एजाज अहमद 6 ही ओवर हुए हैं। जी हाँ, मैं यहाँ खुद अकेला खड़ा हूँ, मेरे साथ दो कॉमेंटेटर्स थे, हालांकि उनका क्रिक हीरो नहीं चल रहा है। यही एक वजह है कि कभी कभार मैं ऊपर नीचे ही हमेशा रहता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें जब यही सुविधाएं हैं मेरे सामने और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकूँगा। छः ओवर की समाप्ति के बाद लगभग 47 रन और गेंदबाजी में बदलाव किया गया है। आसिफ बशीर को वो अब गेंदबाजी करने के लिए लेके आए हैं, जो ओड विकेट इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्पिन आक्रमण आजमाया जा रहा है। आसिफ बशीर आज बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन ठीक ठाक गेंदबाजी से रहा है। इस बार स्लॉग स्वीप, गेंद हवा में, जहांगीर लोन का ये स्ट्रोक और इस बार जीवंतदार वहां और बहुत ही साधारण कैच। और आसिफ बशीर देखे कितने निराश है अपने खिलाड़ी से, और क्यों नहीं, जहांगीर लोन को उन्होंने आउट लगभग किया ही था। बिल्कुल लवली, आसिफ बशीर ने अपने काम तो कर लिया था, लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दिया। ये जो कैच ड्रॉप हुआ ना, ये मेरे ख्याल में मैच उनसे छीन गया है, क्योंकि जहांगीर लोन का कैच मिस करना यकीनी तौर पर ये मैच में उनके लिए चिंता का विषय बनेगा, क्योंकि एक लाइफ मिल गई है तो जहांगीर लोन आप दूसरा लाइफ आपको नहीं देंगे। जहांगीर लोन को एक जीवन दाल मिला है, अगली बार फिर से इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेलने का वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन स्टंप आउट की वह अपील जरूर हुई थी, लेकिन विकेट कीपर तो खासे निराश नजर आ रहे। वहां से नजदीकी मामला था, अंपायर काफी दूर बैठे थे, लेकिन आसिम बशीर के अलावा एक के जो विकेट कीपर 47 नंबर की जर्सी पहने हुए वो भी नाराज है। उसके अलावा कप्तान साहब आरिफ कटारिया भी बिल्कुल नाराज है इस डिसीजन से, क्योंकि उन्हें लग रहा कि एक कैच हमने छोड़ा है। ये यकीनी तौर पर ये 50-50 हम कहेंगे, क्योंकि हमारे पास ये कैमरामैन सिस्टम उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं कि हम रिप्ले दिखाते, तो अंपायर के मन में यही था कि नॉट आउट है, इसलिए उन्हें नॉट आउट करार दिया है। और जहांगीर लोन को एक जीवन दान मिला था, उसके बाद स्टंप आउट की भी अपील वहाँ जरूर अंपायर से की गई थी, और ये एक वजह है कि खेल रुका हुआ है, क्योंकि तीनों विकेट उन्होंने वहाँ बिखेरे थे विकेट कीपर ने, और ये एक वजह रही है कि उसको सुधारने में थोड़ा सा समय वहाँ जरूर लगता हुआ। नवीद गलाई, उमर केपी, जी हाँ, उमर केपी ने एक साधारण सा कैच छोड़ डाला यहाँ जहांगीर लोन का, डीप विकेट के अंदर बिल्कुल सीमा रेखा के नज़दीक वो नजर आ रहे थे। साधारण कैच इस स्तर में जरूर कहा जा सकता है, लेकिन हालांकि वो अभी भी अब बैठे हुए ओवर के पे काफ़ी पछतावा हो रहा है, और लेकिन फिर हम वही कहते रहे कि अब पछतावे से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जहांगीर लोन ने 12 गेंदों में 18 रन बनाए हैं, 2 चौके 1 छक्का। डुबा डेक ही इज आवर फील्डर स्टार। अगली बार जहांगीर लोन के लिए इस बार स्लॉग स्वीप, डीप मिडविकेट के ऊपर से गेंद को पूछाया दर्शक दीर्घाओं में, दहले पे दहला यहां जहांगीर लोन से। आसिम बशीर ने थोड़ी सी धावत दी थी वहां पर जहांगीर लोन को, क्योंकि पिछली बार उन्हें लग रहा है कि विकेट मिली थी, लेकिन जहांगीर लोन इन गेंदों को बख्शने वाले नहीं है। इस बार सही सबक और गेंद दर्शक दीर्घ में 122 मीटर लंबा छक्का जहांगीर के बल्ले से निकलता हुआ। ये उनकी पारी का दूसरा छक्का था, हालांकि उनको एक जीवन जरूर वहां मिल पा रहा है। अगली बार फिर से फ्लाइटेड बैक फुट पर जाकर कट करने का प्रयास था, शॉट कवर के अंदर कटारिया के द्वारा अच्छी फील्ड, इस बीच रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ। ये पारी का 7वां ओवर है, अब तक कुल मिलाकर 54 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली बार फिर से फ्लाइटेड गेंद बैक फुट पर जाकर बढ़िया तरीके से गेंद को निकाला डीप पॉइंट की ओर से, वह जबरदारा नजर आ रहा है जब तक वो गेंद को उठा पाए एक रन बनाने का मौका। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, 7 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 55 रन, 2 खिलाड़ी आउट। करंट रन रेट इस वक्त 7.6 की चल रही है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट है 7.77 की। तो जहांगीर लोन सुल्तान वारियर्स के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। सुल्तान वारियर्स के तमाम खिलाड़ी यही चाहेंगे कि जहांगीर लोन को जल्दी से जल्दी
पवेलियन का रास्ता दिखाए, नहीं तो वो कार तमाम कर पाएगा उनका। तो छुट्टी की रात है उनके पास दिखाएंगे वो। अगर इस मैच को वो अपने नाम करना चाहेंगे तो यकीनी तौर पर जहांगीर उनका विकेट लेना उनके लिए काफ़ी अनुमान होगा। और इसी बीच लगभग पूरे 600 व्यूवर्स हमारे साथ नजर आ रहे हैं, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं जिस तरह से वो हमें सहयोग करते हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप लाइव प्रसारण को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप देखते हैं, अगर आप हमारे काम अच्छे लगते हैं क्रिकेट के लिहाज से, सपोर्ट्स के लिहाज से, तो आप शेयर ज़रूर कीजिए जो आपके हित में है। शौकत भाई, बिल्कुल, कश्मीर सपोर्ट्स वॉच को आप हमेशा प्यार देते रहे। और एक बार फिर मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ कि लवली उमर आप भी वो बोले मेरे साथ साथ, क्योंकि जो क्रिकेटिंग फील्ड है ना, इसमें काफ़ी दुश्वारियाँ खिलाड़ी को पेश आ रही है। ये एक बड़ा खूबसूरत मैदान है, तो मैं तमाम बारामूला के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके यहाँ पर आप जो बैट या गाय वगैरह आप डालते हो उससे जो यहाँ का आउटफील्ड ख़राब होता है, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इस खूबसूरत ग्राउंड को हमेशा आप साफ रखें। गेंदबाजी में बदलाव, जुरेट डार को अब लाए हैं जहांगीर लोन, उसका सामना करेंगे। इस बार बढ़िया गेंद थी, उतना बढ़िया संपर्क नहीं हुआ था बल्ले के, बिल्कुल अच्छे भाग पर यह गेंद नहीं लगी थी। हालांकि एक रन जरूर मिल पाएगा, ये पारी का 8वां ओवर है। कुल मिलाकर 56 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 77 गेंदों में अभी भी 100 रन की दरकार है जीतने के लिए हामिद ब्रदर्स को। हाँ, 57 रन बोर्ड पर लग चुका है, अब केवल 100 रन दूर है इस लक्ष्य से। तो जुनेद डार को पहली बार बुलाया गया है, इसलिए लाए गए क्योंकि वो विकेट चटकाने में हमेशा ब्रेक थ्रू दिलाने में उनका नाम रहता है। जब भी कोई बड़ी पार्टनरशिप बनती है तो वो उनको तोड़ने में हमेशा अपना काम करते हैं। जुनेद 12-15 कदम कर रहा सामने इमरान नबी, लेकिन अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, गेंद ने बल्ले का मोटा किनारा ली, गेंद वहाँ पर स्केल के क्षेत्र में, फील्डर दूर से आए हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है। तब तक बल्लेबाज के पास मौका था एक रन बटोरने का, इस एक रन के इजाफ के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन, 2 खिलाड़ी आउट, 7.2 गेंद का खेल हो चुका है। आपके लिए व्यूवर्स के लिए इससे बढ़िया पल और क्या हो सकता है। वादिया कश्मीर का कोहिनूर जहांगीर लोन इस समय स्ट्राइक पे है, 16 गेंदों में 26 रन बनाकर नाबाद है, 2 छक्के 2 चौके अब तक उनकी पारी में मौजूद है। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में बल्ले से खासा नजदीक गेंद जाके गिरी थी। हालांकि घबराने की कोई जरूरत जहांगीर लोन को नहीं है, हाई अच्छी गेंद थी, जिन्हें हल्का सा कांटा बदलाया था, गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर एक के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी करते हमेशा जुनेडार, एक बार फिर गेंद को चमकाने में मसरूफ, सामने है जैकलोन, ये चले जुनेद जैकलोन के लिए, लेकिन इस गेंद को तीसरे बल्ले से खेला है, लेकिन अच्छी फील्डिंग की वहाँ पर मुंतजर ने, रनआउट होने का खतरा, एक मौका बना था लेकिन फील्डर ने अगर अच्छा थ्रू किया होता यकीनी तौर पर बुरान नबी को पवेलियन का रास्ता दिखाते जुनेडार। जहांगीर लोन भी नाराज बुरान नबी से, क्योंकि उन्हें पता कि ये तेज स्ट्रोक गया है गिल्ली के क्षेत्र में, तो बुरान नबी को समझाते हुए जहांगीर लोन कि आप रिस्क ना ले, जब भी फील्डर को मिस करेगी तब भी आप रन दौड़े। और बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जहांगीर लोन की निगाहें स्ट्रोक पे जरूर थी, हालांकि बुरा नबी स्ट्राइक पे आना चाह रहे थे अगली बार जुनेद, और इस बार पुल करना चाह रहे थे, अंदरूनी किनारा लगा था, अंदरूनी सिरा लगा था, विकेट कीपर के पास गेंद गई थी और उन्होंने गेंद को उठाया। इस बीच एक रन का इजाफा, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी जर्जी और साजिद अबला जो आज शुरुआत में ही आउट हुए थे। जी बिल्कुल, दो बड़े झटके दिए थे निसार ने हामिद ब्रदर्स की टीम को। इस बार ये गेंद थी, हम कहते हैं ना बिंदी गेंद की थी यहाँ पर जुनेद ने, गेंद ने मोटा किनारा लिया था, गेंद गई विकेट के पीछे, तो जहांगीर ये गेंद और रे खतरा, कटारी नीचे और आउट, बुरान नबी को चलता क्या। लवली, मैंने पहले ही कहा जुनेद डार इसलिए आते हैं जब भी कोई बड़ी पार्टनरशिप लगती है ना, उनको तोड़ने में उनका रोल रहता है, तो वही किया वहाँ पर जुनेद डार ने, बुरान नबी को चलता किया। और जी हाँ, जो ही उन्होंने बदलाव किया है अपनी गेंदबाजी में, जुनेद डार को वो लेके आए थे, शानदार कैच लिया गया शॉर्ट कवर के अंदर कटारिया के द्वारा, और ये तीसरी विकेट का पतन भी, बुरान नबी जो आउट होकर अब वापस जा रहे हैं। एक बड़ी विकेट उनके हाथ जरूर लगी है सुल्तान वॉरियर्स के
तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर हडल बनाई हुए हैं। बिलाल पांड्या, मुंतजिर पांड्या, उमर केपी, जुनेडार कटारिया, तमाम खिलाड़ी इस समय हडल बनाई हुई है। क्याफत केपी, आई विल बी थॉट फॉर रेड्स नाउ। हमारे वॉइस बारामूला किफायत भाई हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि अब यहाँ से मुश्किल लग रहा है कि बीसीसी बारामूला के तो उनके यहाँ अलग नाम है, रेड्स का नाम यहाँ नहीं है, लेकिन तमाम खिलाड़ी वही हैं जो बीसीसी रेड्स के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा केपी भाई आपने, मुश्किल परिस्थितियाँ उनके लिए ज़रूर है। हालांकि कोहिनूर को एक कैच ज़रूर छूट गया था उमर केपी से, लेकिन देखना पड़ेगा केपी के वो कैच उनके लिए कितना मुश्किल साबित होगा, ये देखना होगा। लेकिन सुल्तान वॉरियर्स ने अच्छी शुरुआत की है इस टीम इस मैच के लिहाज से। आरिफ कटारिया आपके स्क्रीन के सामने निश्चित तौर पे नज़र आ रहे होंगे, खासे खुश नज़र आ रहे हैं अब तक के जिस तरह से गेंदबाजी रही है उनके गेंदबाजों के लिए। आसिफ बशीर ने पिछले ओवर में एक मौका वहाँ उत्पन्न ज़रूर किया था, मौका बनाया था, लेकिन फील्डर अगर आप साथ नहीं देते रहा तो फिर ये दिक्कतें आपके लिए हमेशा। इश्फाक गिब्स आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। जहांगीर लोन सामना करेंगे आसिफ बशीर का। अगली बार फ्लाइटेड गेंद, बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया था, दूसरे के लिए वो दौड़ना चाह रहे थे, हल्की सी वहां चूक हुई थी जावरदारा से और इस बीच बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दो रन अर्जित किए हैं। लगातार अब ये जहांगीर लोन प्रयास ही कर रहे हैं कि स्ट्राइक को रोटेट किया जाए और बिल्कुल सही सोच, सही मानसिकता जिसको हम ज़रूर कह सकते हैं। ये पारी का 9वां ओवर है, कुल मिलाकर 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर 146 का लक्ष्य मिला है आज इस टीम को। अगली बार फ्लाइटेड गेंद, फिर से बैक फुट पर जाकर कट करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं जहांगीर लोन, लेकिन अब तक ठीक ठाक ही सफल हुए हैं। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बुरहान नबी, साजिद अमला और जर्जी, ये तीन खिलाड़ी अब तक आउट होकर वापस जा चुके हैं। ऑफ साइड में उनके कप्तान ने दो खिलाड़ी रखे हैं, डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ, बिल्कुल कैचिंग पोजीशन पे उनको रखा गया है। इश्फाक गिब्स के लिए ये गेंद हल्के हाथों से प्लेस किया था ऑफ साइड की ओर। आज बशीर खुद जा रहे हैं गेंद को फील्ड करने के लिए। इस बीच एक रन का इजाफा, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हामिद ब्रदर्स की टीम, जहांगीर लोन वादिया कश्मीर का कोहिनूर अभी भी मैदान के अंदर मौजूद है, दो छक्के दो चौके अब तक लगाने में वो कामयाब हुए हैं। अगली बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, बैक फुट पर जाकर कट किया था, डीप पॉइंट का खिलाड़ी खासे व्यस्त नजर आ रहे हैं पिछले कुछ समय से। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 9वां ओवर इस समय चल रहा है। लगभग इश्फाक गिब्स के लिए उन्होंने स्लिप तैनात की है और यह लीजिए विग इस बार स्टम्प आउट किया वहां बल्लेबाज को। और क्या बढ़िया गेंदबाजी है आसिफ बशीर की और ये चौथे विकेट गिरते हुए। इश्फाक गिब्स तूफान की तरह आए थे, आंधी की तरह वो वापस चले गए हैं। ये चौथे विकेट का पतन भी होता हुआ यहाँ से डार हिलाल श्रीनगर जम्मू जिया। लगभग एयर टिकट वो आपको बता रहे हैं, आप ज़रूर देखिएगा। डार हिलाल हमारे स्क्रीन के सामने वहाँ नज़र आ रहे हैं। ये पारी का 9वां ओवर है, कुल मिलाकर 63 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी अभी जो आउट हुआ वो इश्फाक गिब्स के रूप में आउट गिरा था। सुल्तान वॉरियर्स ने इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाई रखी है,
ये चौथवी विकेट का पतर होता हुआ। अगर वो जहांगीर लोन का भी कैच काश पकड़ते तो कुल मिलाकर काब तबाब हुआ था यहाँ हामिद ब्रदर्स का। लेकिन क्रिकेट है और कोई होली को कुछ भी हो सकता है। खिलाड़ी के लिए अपनी ओर से तमाम कोशिशें करते हैं। बिलाल पांड्या एक बड़ा नाम आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक गेंदबाजी के लिए बिलाल पांड्या को नहीं लाया है। आज बल्लेबाजी से वो रनआउट के रूप में एक विकेट जरूर गिरा था बिलाल पांड्या का। और नवीद गलाई हैव टू गेट द विकेट ऑफ जैक लोड हियर। और जी हाँ, प्रयास तो नवीद भाई आपके गेंदबाज तमाम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जीवनदान देंगे और उतना आसान कैच छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आउट करना मुश्किल रहता है। आज बशीर ने जहांगीर लोन को फंसाया था उस फ्रिकी में, लेकिन अभी भी जहांगीर लोन आप तैनात है मैदान के अंदर। जैसा आप खुद खिलाड़ी खेलते हुए आप नजर आते हैं नवीद भाई, होने को कुछ भी हो सकता है इस मैच के अंदर। जुबैर डार और के कप्तान अब मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं। ये पारी का 10वां ओवर है और इस बार स्लॉग स्वीप जुबैर डार के बल्ले से गैप में खेला गया स्ट्रोक। किसी खिलाड़ी के पास लगभग मौका नहीं है, लेकिन अंत में गेंद उनसे रुकी है और खिलाड़ी खुद दिखा रहे हैं कि ये गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 9 ओवर आउट होने के बाद उस्मान लोन जुबेदार के लिए वो कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुजफ्फर भट्ट भी हमारे साथ बैंगलोर से नजर आ रहे हैं। ताहिर सुल्तान 156 का टारगेट है, बिल्कुल सही कहा ताहिर भाई। जुबैर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम राजा फारूक। वाह वेरी गुड बॉलिंग प्रेशर ऑन देम। बिल्कुल सही कहा आपने। 9 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक 67 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बुरा नबी साजिद आमला जड़जी वो खिलाड़ी वापस जा चुके हैं और साजिद आमला भी आउट होकर वापस जा चुके हैं। अभी भी जो आउट हुआ वो इश्फाक गिब्स के विकेट के तौर पे गिरा है। जुरेडार जो एक विकेट लेने में कामयाब हुए हैं, बुरा नबी का विकेट वो साझेदारी जुरेडार ने ही तोड़ाई थी अपनी टीम के लिए। तो एक बार फिर से लगभग वो पारी का 10वां ओवर लेकर ओवर द विकेट आ रहे हैं। 67 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। जहांगीर लोन अब उसका सामना कर रहे हैं। ऑफ साइड में केवल 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बिल्कुल कैचिंग पोजिशन पे रखा गया है। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी उन्होंने रखे हैं। ये चले जुरेडार और द विकेट जहांगीर लोन के लिए। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग खासा बढ़िया था। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे और बड़ी आसानी के साथ वो 2 रन अर्जित भी करते नजर आ रहे हैं। इस बार बिलाल पांड्या के पास गेंद गई थी और बड़ी आसानी के साथ 2 रन अर्जित किए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सलीम जहांगीर हमारे पटन के लेजेंडरी खिलाड़ी, और क्या खिलाड़ी वो रह चुके हैं और अभी भी हाल ही दिनों में भी वो क्रिकेट को खासा पसंद करते हैं। जहांगीर के लिए गेंद, इस बार गेंद को पुल किया था। किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, ऐसा लग रहा था बिलाल पांड्या उस गेंद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। ये है करते हैं फिर जहांगीर लोन, अगर आप उनके कैचेस छोड़ते हैं तो। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 73 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 10वां ओवर इस समय चल रहा है। अपनी ओर से हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं जुरेडार की किसी तरह से जहांगीर लोन को यहाँ आउट किया जाए, जिसको मैं अपनी भाषा में कोई दूर के नाम से इसको आजकल जाना जाता है। जुरेडार ओवर द विकेट, फिर से अब तक 73 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। जहांगीर इस बार बहुत बढ़िया ड्रॉइंग किया था, टाइमिंग अच्छी थी और एक बार फिर से दूसरा रन दौड़ने के लिए वो कामयाब हुए हैं। और इस ओवर में अच्छे खासे रन अब तक मिल चुके हैं, लगभग 8 रन 2 डबल अब तक उन्होंने दौड़ चुके हैं, 1 चौका भी। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 156 है पूरा लक्ष्य उनको छूना होगा अगर उनको ये मैच जीतना है तो। जहांगीर लोन सामना कर रहे हैं
इस बार ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6-4 के नुकसान पर। ये पारी का 10वां ओवर इस समय चल रहा है शौकत भाई, पारी का 10वां ओवर है, 6 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं, 4 विकेट उन्हें खोए, लेकिन जहांगीर लोन अब रंग में नजर आ रहे हैं। जब तक जहांगीर लोन विकेट पर है तब तक हम यही कहेंगे कि हामिद बदरस का पलड़ा भारी है, क्योंकि जहांगीर लोन अब सेट हो चुके हैं। 25 गेंदों में 39 रन बनाए हैं, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के, शानदार छक्के शामिल है। जुनेडार एक बार फिर आए हैं विकेट के लिए, अब तक 1.3 ओवर में 12 रन खर्च किए, 1 खिलाड़ी को पवर का रास्ता जरूर दिखाया है जुनेडार ने। आज बल्लेबाजी से भी एक अच्छा, हालांकि छोटी सी पारी थी लेकिन अच्छी पारी थी जुनेडार की। हम जानना चाहेंगे अपने स्कोर से कितना स्कोर उन्होंने बनाया है जुनेडार ने। बनाए 10 गेंदों में, जिनमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। जुनेडार आज बल्ले से भी अच्छा योगदान दिया है। अब गेंदबाजी से यही कुछ कहते हैं कि जहांगीर लोन का विकेट हमें मिले तो मैच में बने रहेंगे, नहीं तो अनिता ये मैच हामिद बदरस की जोली में दिखता हुआ नजर आ रहा है उमर। और हम अपने व्यूवर से भी विनती करते हैं कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगभग 500 से अधिक व्यूवर्स हमारे साथ नजर आ रहे हैं। अगर वो चाहे वो इस आंकड़े को बदल भी सकते हैं, क्योंकि एक शेयर से काफी कुछ बदलाव हो सकता है। बिल्कुल, आपका कहना लवली है कि आप लगातार शेयर करते रहे, हमारा प्यार आपके साथ हमेशा रहेगा, तो आप हमें प्यार दीजिए, हम भी आपको ये रोमांच वाला मुकाबला सुना रहे। 75 इस पर बोर्ड पर लग चुका है स्कोर, 75 रन, जबकि 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी भी मैच जीतने के लिए 81 रन चाहिए, जबकि गेंदें बची है 63, 80 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, 63 गेंदों का खेल बचा है, 76 स्कोर है। 4 विकेट के नुकसान पर जुबेडार और जहांगीर लोन ये दो बल्लेबाज जगत मैदान में मौजूद है। जुबेडार इस मैच का हिस्सा नहीं है, जुबेर कोहली आज 12वें जमात की परीक्षा चल रही है, वही एक वजह रही है। इस बार जहांगीर लोन के लिए बढ़िया गेंद, और क्या शानदार ये गेंद थी, पूरी तरह से इस बार छकाया था जहांगीर लोन को। अच्छी गेंद थी ये, पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी अंदर आई थी गेंद, लेकिन बाल बल बच गए, अगर एक किनारा लगता यकीनी तौर पर जहांगीर लोन को भी पवेलियन में जाना पड़ता। अच्छी गेंदबाजी का लगातार अच्छा मिश्रण दिखा रहे हैं अपने गेंदों में जुनेडार। जहांगीर के लिए एक बार फिर 21 नंबर की जर्सी पहनते हुए तेज हुए, ये गेंद खतरनाक गेंद थी, बाल बाल बच गए, लेकिन कहीं हद तक आखिरी समय में बल्ले लगा, नहीं तो काम तमाम हो जाता यहाँ पर जहांगीर लोन का। बिल्कुल सही कहा आपने, एक अच्छी लय में नजर आ रहे हैं जुनेडार यहाँ, और जिस तरह की गेंदबाजी और की रही है, और चेहरे पे प्रतिक्रिया हंसी की भी, ये भी काफी कुछ बयान करे। आज बल्ले से भी ठीक ठाक ही प्रदर्शन रहा था, 1 छक्का और वो जो चौका उन्होंने लगाया था, शानदार खिलाड़ी है, और गेंदबाजी से भी कुछ योगदान अपनी टीम को दे रहे हैं, और 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। कमेंट्री छोर से अगली बार सामना करेंगे जुबेडार। इस बार भारी किनारा, बहुत सा किनारा लगा था, थर्ड मैन ने प्रयास किया था लेकिन रोकने में असफल, गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 ओवर के लिए जुबेडार के बल्ले से भी रन आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी आज में काफी बार गेंद थी, केवल बल्ला लगाया क्योंकि गेंद की रफ्तार तेज थी, 133 4 के उससे गेंद की थी वहां पर जुनेडार ने, और गेंद गोली के मारे थर्ड मिन बाउंड के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के हिसाब के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन, जबकि 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जुबेर का नुमाया स्कोर 8-40 के योगदान पर जहांगीर लोन बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, यानी कि आधे ओवर तो फेंके हैं यहाँ पर सुल्तान वारिस की टीम ने, 4 विकेट जरूर लिए हैं लेकिन रन रेट को वो काबू नहीं कर पा रहे हैं, लगातार 8.1 ओवर से रन बना रहे हैं, 81 रन बोर्ड पर लग चुका है 10 ओवर में। अब मैच जीतने के लिए 75 रन चाहिए, 60 गेंदों का खेल बचा है, 7.5 के ओवर से रन बनाने होंगे ये मैच जीतने के लिए जुबेडार की टू पोर्स को। तो लगातार इस वक्त डिस्कशन में पूरी टीम है सुल्तान वॉरियर्स की, यही चाहते हैं कि जहांगीर लोन को आउट किया जाए तभी वह एक मैच बनाएंगे। हालांकि अभी भी मैच कहीं नहीं गया है, 50-50 हम जरूर कहेंगे, क्योंकि लंबी बाउंड्री है। शौकत भाई बिल्कुल सही कहा आपने, हम ये कतई नहीं कहेंगे कि ये मैच हामिद ब्रदर्स से यहाँ जीता है,
और भले ही जहांगीर लोल मैदान के अंदर मौजूद है, लेकिन हम भी जानते हैं कि एक विकेट और इस क्रिकेट में खासा अहमियत रखती है। अगर जहांगीर लोन को वो किसी तरह से यहाँ आउट कर पाएंगे तो वापसी हो सकती है। हालांकि नवीद गराई उनके कप्तान लिख रहे हैं कि मुश्किल छबासन, लेकिन नवीद भाई मुश्किल छबासन की अगर वो तो गेंदबाज विकेट लीग दिल तिल तिल कहते हैं कैसे। हाँ, नवीद गराई हमेशा जो उनके जो फील्डर्स और बॉलर्स उनको उनका मोराल बढ़ा रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक विकेट हमें मिले, हम मैच में वापस आएंगे। तो विकेट दिलाने के लिए नए बल्लेबाज नए गेंदबाज आरिफ कटारे को बुलाया गया है। और जी हाँ, उनके कप्तान अब गेंदबाजी करने के लिए लेके आए हैं खुद, और वो जानते हैं कि ये मुकाबला कांटेदार का है और इसलिए ये जरूरी है कि वो लगातार विकेट अगर निकालने में कामयाब होंगे तो किसी हद तक वो वापसी करेगी और खास तौर से कोहिनूर की विकेट बहुत कुछ निर्भर जरूर करेगी। अगर जहांगीर लोन की विकेट यहाँ पर सुल्तान वारियर्स के गेंदबाज लेने में कामयाब होंगे, यकीनी तौर पर मैच 70-30 होगा, क्योंकि जो आने वाले बल्लेबाज हैं उनमें जहांगीर बख्शी दबाव के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो उस लेके खिलाड़ी नहीं है, वनडे प्लेयर है, वो हमेशा 50 ओवर में अच्छा योगदान देते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जहांगीर लोन अगर यहाँ पर आउट होंगे तो मैच में एक रोमांच आएगा। और फिलहाल ये मैच दोनों टीमों के लिए बराबरी पर है, ये हम जरूर कहेंगे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन 4 विकेटों के नुकसान पर इस बीच बढ़िया स्ट्रोक कट खेला जहांगीर लोन ने, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 ओवर के लिए। थप्पड़ जैसा स्ट्रोक हम कहेंगे इसको, क्योंकि थोड़ी सी जगह मिली गेंद को और बल्ले का मुंह खोला, गेंद गई वहां पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौवा जहांगीर लोन के बल्ले से निकलता हुआ, उनका नुमाया स्कोर 44 रन, अब केवल 6 रन दूर, 28 गिने 44 रन, 4 चौके 2 छक्के। और जहां स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर अगली बार फिर से सामना कर रहे हैं, इस बार लगभग ओवर पिच गेंद थी, गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन की ओर, वहां बिलाल पांड्या नजर आ रहे हैं, बहुत ही चतुर फील्डर है, उसके हाथों से 2 रन चुराना उतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन जहांगीर लोन जब से वो कैच उनका जीवनदान मिला है उसके बाद वो खुलकर खेल रहे हैं, और जो सही भी है। हाँ, एक जीवनदान मिला था, उसके बाद उन्होंने अच्छे स्ट्रोक्स के लिए दर्शनीय स्ट्रोक, क्योंकि दिखाया है सुल्तान वारियर्स की गेंदबाज को कि मुझ में वो क्षमता है कि मैं अच्छे क्रोर्स खेल सकते। इस बार तिरछे प्ले से गेंद को निकाला है, गेंद की थर्ड मैन के ओर, एक रन बटोर दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे जहांगीर लोन, लेकिन मना किया वहां पर जुबेडार ने, क्योंकि उम्र का तकाजा हम यही कहेंगे, जुबेडार काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, 1-2 दहाई से खेल रहे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 20 सालों से खेल रहे हैं क्रिकेट जुबेडार, और लेकिन अभी भी फिट है और खेलने के लिए तैयार है जुबेडार, जो हामिद ब्रदर्स के कप्तान है। और लेकिन ये लड़ाई है इस समय कप्तान वर्सेस कप्तान की, एक तरफ से आरिफ कटारिया गेंदबाजी कर रहे हैं और दूसरी छोर से जुबेडार हामिद ब्रदर्स के कप्तान खेल रहे हैं। अगली बार आरिफ इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया था, ब्लॉक के अंदर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, शॉट बहुत बढ़िया था, टाइमिंग ठीक ठाक ही थी, लेकिन प्लेसमेंट डॉट में इस बार असफल हुए हैं। ये पारी का घेरवा ओवर है, कुल मिलाकर 87 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जहांगीर लोन को पता है कि इस ओवर में 6 रन आ चुके हैं, तो वो खराब स्ट्रोक नहीं खेल सकते, इस बार उठाना चाहते थे, गेंद ने मोटा किनारा लिया, गेंद की थर्ड मैन के ओर वहां पर जुड़े डाल रहे गेंद को फील्ड किया है, लेकिन बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन हासिल करने का, दूसरा रन लेने चाहते थे जहांगीर लोन, लेकिन इस बार मना किया जुबेडार ने। अच्छी गेंद थी ये, बल्ले का मोटा किनारा, एक गेंद गई स्लिप कॉर्नर में, वहां पर स्लिप अगर मौजूद होती यकीनी तौर पर जहांगीर लोन इस वक्त डगआउट में होते। अगली बार जुबेडार सामना करेंगे आरिफ कटारिया का, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 55 गेंदों में अभी भी 78 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए, 68 रन चाहिए मैच जीतने के लिए 55 गेंदों में, तो जो हदफ है ना, अपील की इस बार, लेकिन इस अपील पर अंपायर साइमन टपल पर कोई असर नहीं पड़ा, इस तरह से आरिफ कटारे का यह ओवर मुकम्मल होता हुआ, 11 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है, स्कोर है 88 रन, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं।
अभी भी दो खिलाड़ी मैदान में डटे हुए हैं, जुबेडार और चांगी लुन। इन दोनों के दरमियान अब तक 19 रनों की शराकत दारी हो चुकी है। सबसे बढ़िया बात के कोई नूर जहांगीर लोन को अब दरकार है 4 रनों की। 31 गेंदों में 46 रन बनाकर वो नाबाद है। 4 चौके 2 छक्के 148 स्ट्राइक रेट से वो इस समय खेल रहे हैं। लेकिन क्या मजा आ रहा है कि नवीद भाई सऊदी अरब से लगातार हमारे साथ बने हैं, क्योंकि इस टीम के वो कप्तान भी रहे। सुल्तान वॉरियर्स इज मिसिंग यू टू, बिल्कुल वो अपनी टीम को मिस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो गेंदबाजी करें, गति परिवर्तन करें गेंदबाजी में, अंतिम ओवर अगर नवीद भाई होते तो कहीं ना कहीं कुछ मामला कुछ अलग होता, लेकिन क्रिकेट है और होने को कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, नवीद गनाई को मिस कर रहे हैं अपनी पूरी टीम, क्योंकि इस वक्त वो आउट ऑफ स्टेट है। हाँ, क्योंकि मुल्क से बाहर भी गए हैं, हम स्टेट नहीं कहेंगे, आउट ऑफ कंट्री हम कहेंगे, तो ज़रूर मिस कर रहे होंगे यहाँ पर उनके खिलाड़ी। बिलाल पांड्या को बुलाया गया है पवेलियन एंड से, जो हमारा हाईवे एंड होगा, वो अब गेंदबाजी करेंगे, उसके सामने होंगे नॉर्थ कश्मीर के स्टार कोहिनूर। बड़ा ना अच्छा प्यारा नाम दिया आपने कोहिनूर, और तो इसमें वो क्षमता है कि वो कोहिनूर की तरह रंग बदलते हैं क्रिकेटिंग, जो क्रिकेट का गेंद है उसका रंग बदलते हैं हमेशा। जी ये हमने इसको इसलिए नाम रखा कि अंधेरा चाहे कोई भी हो, कोहिनूर हमेशा चमकता है, और यही एक वजह रही है कि बल्ले से ही वो बल्ले से रन नहीं हालिया दुर्बे बना रहे थे, लेकिन गेंदबाजी से अच्छा खासा योगदान दिया है चंपाइन ऑफ चंपाइन इस कप में। लेकिन अभी भी काम अधूरा है, 54 गेंदों में 67 रनों की दरकार है। हिलाल पांडे आए, सामने है जैक लोन, लेकिन अच्छी गेंद थी, गेंद को आगे आकर हल्के हाथ से खेला है, एक रन तेजी के साथ लिया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार मना किया जहांगीर लोन ने, क्योंकि वहां पर चौकन है, चुस्त चौकन है, आसिम बशीर शेर की तरह गेंद पर आए हैं, केवल एक रन बनाने का मौका मिला बल्लेबाजों को। सोहेल मंजूर ने एक अच्छी प्रतिक्रिया दी है, मुझे लग रहा है पढ़ना चाहिए, उमर आपके पार्टनर कमेंट्री से ज्यादा हार्ट अटैक कर रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर भाई, और ये तो हमेशा होता ही होता है, लेकिन आपका प्यार जिस तरह से नजर आ रहा है ये देखकर अच्छा लगा है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भविष्य में भी यानी कि आने वाले समय में भी इसी तरह सा सहयोग जरूर कर पाओगे। बिलाल पांड्या ओवर द विकेट जुबेडार के लिए, उनके कप्तान इस बार शॉट गेंद थी, गेंद को मोड़ा विफल की ओर से, मुद्दसर पांड्या वहां नजर आ रहे हैं और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस बीच एक रन का इजाफा, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जहांगीर लोन के लिए एक संदेश दिया है एक हमारे जो व्यूअर है, उन्होंने कहा कि जहांगीर लोन बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन आज एक गलती की है, हेलमेट पहनकर नहीं खेल रहे, क्योंकि आज सर्दियां चल रही है। यकीनी तौर पर अच्छा आपने प्रश्न पूछा जहांगीर लोन के लिए। बिलाल पांड्या तेज हुए जहांगीर के लिए, लेकिन नीचे गेंद विकेट कीपर पे बीट, बल्लेबाज तो पहले से ही बीट हुए थे, और विकेट कीपर पे बीट और गेंद गई थर्ड मैन बाउंड के बाहर 4 रनों के लिए। 4 मामूली रन मिले हैं यहाँ पर हामिद ब्रदर्स की टीम को बाइक की सूरत में, और बिलाल पांड्या की ये बेहतर गेंद शानदार जहांगीर लोन को पूरी तरह से छकाया था, विकेट कीपर भी वहां चूकते नजर आ रहे हैं, बाइक के रूप में यहाँ 4 रन जरूर मिलते हुए, इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 95 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 51 गेंदों में अभी भी 61 रनों की दरकार है, करंट रन रेट 8.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बन रहे हैं, और रुकाइड रन रेट जो है लगभग 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से उनको रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन कोहिनूर को दरकार है 3 रनों की अपने अर्धशतकीय पारी को। बिलाल पांड्या इस बार फिर से बहुत अच्छी गेंद, शानदार गेंद, और इतने सेट बल्लेबाज को अगर आप बीट करा रहे हैं तो ये दर्शाता है कि बिलाल पांड्या के पास भी काबिलियत फूट फूट के भरी हुई है। हाँ, विकेट पर थोड़ी सी नमी हम देख रहे हैं, क्योंकि अब विकेट ने अपना रुख बदल लिया है, क्योंकि जो वक्त गुजरने के साथ साथ सर्दी का मौसम, आज विंटर चल रहा है यहाँ पर, यकीनी तौर पर अगर एक विकेट मिलती यकीनी तौर पर मैच में वापसी करेंगे सुल्तान वॉरियर्स की टीम। लाल पांड्या जहांगीर के लिए, यकीन अच्छी गेंद थी, पैड पर गेंद थी, लेकिन इस गेंद को मोड़ दिया है वहां पर थर्ड मैन के क्षेत्र में, पेड़ से लगकर गई है, अंपायर का इशारा लेग बाय, एक रन बनाने का मौका मिला दोनों बल्लेबाज को, स्कोर बढ़ता हुआ 96 रन
चार खिलाड़ी आउट, अभी भी 60 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। साथ साथ हम अपने व्यूवर्स का भी दिल की उम्मीद गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि 600 से अधिक व्यूवर्स हमारे साथ नजर आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो इस आंकड़ों को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। निसार अहमद खाने साहब, हमारे एक्स रणजी खिलाड़ी जिन्होंने चैंपियन ऑफ चैंपियन कप का आयोजन किया था, इस बार जुबेदार बढ़िया तरीके से ड्राइव किया था, कटारिया के पास गिर गई थी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, केवल एक रन बनाने का मौका, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अठानवे रन चार विकेटों के नुकसान पर, आई थिंक वन चांस टू गेट बैक इन दिस गेम इज टू गैम्बल आसिफ बशीर बॉलिंग, ऐसा हमारे एक्स्ट्रा जी खिलाड़ी कहते हैं निसार अहमद खाड़े साहब, जिन्होंने चैंपियन ऑफ चैंपियन कप का आयोजन किया था। बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता वो रहा, क्योंकि पूरे मैचेस मैंने वहाँ लाइव किए और क्या एटमोसफियर और क्या माहौल वहाँ उन्होंने उत्पन्न किया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लावली उमर उस प्रतियोगिता का हिस्सा है, इसलिए मैं वहाँ तारीफ कर रहा हूँ। तमाम जो क्रिकेट जानकार है वो इस पहल की उसको सराहना करते हैं, क्योंकि बिना फी का वो टूर्नामेंट था, कोई भी फी उन्होंने नहीं लिया था किसी खिलाड़ी से, रिफ्रेशमेंट तमाम सुविधाएं वहाँ मौजूद थी। और ऐसे में निसार सर, हमारी शुभकामनाएं दुआएं आपके साथ हैं, आप ज़रूर अगले साल के लिए जाएं और उससे बेहतर खिलाने का प्रयास करें। बेहतर तो था ही, आप ये प्रयास करें कि 32 टीमें लाने का, उससे ज़्यादा और निखार आएगा उसमें। 98 रन अब तक बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। आरिफ कटारिया अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, इस बार कदमों का इस्तेमाल, बॉलर्स के सर के ऊपर से नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, एक शानदार प्रयास उन्होंने किया था लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर चले गए 4 रनों के लिए। इसी के साथ कोहिनूर की अर्धशतकीय पारी भी पूरी हुई, और कोहिनूर के बल्ले से अपने अर्धशतकीय पारी, हालांकि वो कोई खास जश्न नहीं बना रहे हैं, और वो बल्ले से ये भी दिखा रहे हैं कि कोई बात नहीं है, लगभग वो इस मैच को समाप्त करना चाहते हैं, उसके बाद वो जश्न जरूर बनाएंगे। इन 4 रन के साथ अब 100 रन बोर्ड के भी ऊपर लग चुके हैं, 102 रन 4 विकेटों के नुकसान पर हामिद ब्रदर्स की टीम। अगली बार फिर से कटारिया ओवर द विकेट हाईवे एंड से, इस बार कदमों का इस्तेमाल, बॉलर्स के सर के ऊपर से गेंद जाकर गिरी हाईवे पे, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, कोहिनूर के बल्ले से एक और शानदार छक्का निकलता हुआ, इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 108 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अर्धशतकीय पारी बनाने के बाद कोहिनूर लगातार बड़े बड़े स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं, गेंद फुटबॉल की तरह उनको नजर आ रही है। अगली बार ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 109 रन 4 विकेटों के नुकसान पर हामिद ब्रदर्स इक्विटी टीम। आज सुबह टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान ने, और इस बीच कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, हालांकि डीप पॉइंट का खिलाड़ी दौड़ कर आ रहे हैं, जब तक वो गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ और उन्हें 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 111 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और हमारे रणजी खिलाड़ी, जी हाँ, और अगर ये कोहिनूर है जहांगीर लोन, तो हमारे लिए एक और बड़े खिलाड़ी आकिब भाई हमारे साथ नजर आ रहे हैं, और इससे बढ़िया उपलब्धि और क्या हो सकती है। आकिब भाई, मेरी और लवली उमर और इस मंच की ओर से आपको ढेर बड़ी शुभकामनाएं। आपका नाम कल शाम को देखकर बहुत अच्छा लगा है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप उसी तरह से चमकते नजर आएंगे जिस तरह से आप चमके थे। फिवर हार गएगे तो कुछ भी करेगा, ऐसा आकिब भाई हमें लिख रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, बढ़िया तरीके से गेंद को निकाला, इस बीच आसानी के साथ 2 रन उन्होंने अर्जित किए हैं। आकिब नबी एक बड़ा नाम हमारे नॉर्थ कश्मीर का, बल्कि नाम ही नहीं है, ये हमारा प्राउड है जैसा हम अपनी भाषा में कहते हैं, और क्या खिलाड़ी है ये, और हालिया दिनों में उनका नाम हमने कल शाम से ही लिस्ट में देखा है। दुआएं शुभकामनाएं आपकी, और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आप अपने खेल के लिहाज से हमें सर फख्र से ऊंचा ज़रूर करें। आकिब भाई हमारे साथ नज़र आ रहे थे और अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने ज़रूर दी है इस खेल के लिए,
फिर भी हार जाएगी तो कुछ भी कर ले। हाकिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम यही दुआ करते हैं कि आप हमारे बारामूला का नाम रोशन करें, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में आप एक ऐसे अकेले ऑलराउंडर है जो लगातार जेएनके से जुड़े रहते हैं, तो हमारे दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप कामयाब होकर लौटेंगे, तो हम आपसे ही दुआ करते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप इस टीम के हिस्सा हैं इसलिए आप यहाँ पर मिस कर रहे होंगे अपने दोनों बल्लेबाज जुबैर डार और जहांगीर लोन से, ये चाहेंगे कि मैच जीत कर यहाँ से लेके जाए। हाँ नवीद भाई, आप लिख रहे हैं कि मुनीर भट्ट का एग्जाम था, और नवीद भाई इस तरह के यहाँ एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे, क्योंकि ये जो मैच आपने हारा है मुझे लग रहा है कि फील्ड से अगर वो उमर केपी ने वो कैच लिया होता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप जीत ही जाएंगे मैच, लेकिन अगर जहांगीर लोन ने वो 15 रन पे कैच लिया होता तो कहानी कुछ अलग होगी शौकत भाई। हाँ, अगर वो कैच लपका होता तो कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता, क्योंकि जहांगीर लोन उस वक्त केवल 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस वक्त जो जहांगीर लोन का नुमाया स्कोर है वो है 57 रन, अभी भी नाबाद है, जबकि मैच जीतने के लिए केवल 30 रन चाहिए। आसिम बशीर फ्लैटेड गेंद, इस गेंद को निकाला है गली के क्षेत्र में, वहाँ पर खिलाड़ी तैनात किसी रन का हिसाब नहीं, 67 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जहांगीर लोन। 41 गेंदों में मैच जीतने के लिए केवल 37 रन चाहिए, जबकि 42 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। विजय हजारी ट्रॉफी के लिए आकिब भाई हमारे जा चुके हैं, और कल शाम से ही हम उनका नाम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे छाए हुए। बधाई का सिलसिला उसी सब ही वहाँ शुरू हुआ था जब आकिब भाई का नाम आया था, तो कहीं ना कहीं होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो प्रदर्शन देते आए हैं सराहनीय, और एक ऑलराउंडर के साथ खेल रहे हैं, लेकिन अब तक और इस बीच आउट होकर वापस जा चुके हैं जुबैर डार, कदमों का इस्तेमाल किया था, और आसिफ बशीर एक ऐसे गेंदबाज चतुर गेंदबाज है, उनके सामना खेलना उतना आसान नहीं रहेगा। ये पांचवी विकेट गिरती हुई, और इस बार उनके कप्तान 40 गेंदों में अभी भी 36 रनों की दरकार है, लेकिन कोहिनूर अभी भी मैदान के अंदर मौजूद है। क्या कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि आसिम बशीर ने एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, 57 रनों की पार्टनरशिप की थी दोनों बल्लेबाज ने केवल 26 गेंदों में, तो 205 के औसत से रन बना रहे थे ये दोनों बल्लेबाज, लेकिन ज़्यादा योगदान था उसमें जहांगीर लोन का, क्योंकि केवल 12 रन बनाए हैं जुबैर डार ने, और स्टम आउट की सूरत में आउट हो गए हैं आसिम बशीर का शिकार बने। अब आए हैं नॉर्थ कश्मीर के वॉर, जो हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में अपनी टीम का साथ देते हैं। आपके मुंह पे वर्ड नहीं आया था और इसलिए मैंने अचानक से ही बोला। हाँ, मैं बोलने वाला था लवली, क्योंकि मुश्किल परिस्थिति में जो आप निकाल के उभरते हैं वो है बारामूला के वाल जहांगीर बख्शी, जो कि मेरे नेबर है, वो खेलने के लिए आए हैं साथ देने के लिए जहांगीर लोन का। ये दो बड़े नाम हैं हामिद ब्रदर्स की टीम के, लेकिन वहाँ पर चुस्त चौकन्ने और चतुर गेंदबाज आसिम बशीर, जिन्होंने अपनी जोली में एक और विकेट लिए, दूसरी विकेट मिलती हुई जुबैर डार की, अंपायर से गॉड लिया। अब सामना करेंगे आसिम बशीर का बख्शी, फ्लैटेड गेंद, बैकफुट पर आकर गेंद को निकाल दिया है डीप कवर की ओर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, अपना अकाउंट खोल दिया है इस एक रन के साथ जहांगीर बख्शी ने, स्कोर बढ़ता हुआ 121 रन, 5 खिलाड़ी आउट। आसिफ को लगातार 4 ओवर्स कर रहे थे, स्लाइट मिस्टेक हुई है ऐसा नवीद भाई कह रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया था कोहिनूर ने, वहां बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी वहां नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां हल्की सी चूक हुई है, इस बीच बड़ी आसानी के साथ और उन्हें 2 रन अर्जित किए हैं। ऐसा लग रहा है शौकत भाई सुल्तान वॉरियर्स के जो खिलाड़ी है उनकी जो शारीरिक भाषा है वो थोड़ा सा बहुत ढलता नजर आ रहा है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज गिर गया इस बार, तगड़ा स्ट्रोक और गेंद गई स्क्वायर लेग मोड के बाहर 6 रनों के लिए। थोड़ी सी फ्लैटेड गेंद थी, गेंद का पड़ लिया था और घुटनों के बल इस गेंद को उछाल दिया है 122 मीटर लंबा छक्का। और जिया स्लॉग स्वीप के जरिए इस बार कोहिनूर ने इस गेंद को निकाला था, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घाओं में छक्का। इस छक्के के साथ उनका स्कोर पहुंच चुका है 75 रन लगभग, अब उनको 25 रनों की दरकार है अपने शतकीय पारी से। इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद बॉलर्स के सर के ऊपर से खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं, लेकिन दर्शक होके वहां रह बच जाएंगे। एक और छक्का कोहिनूर के बल्ले से,
एक और लंबा छक्का चढ़ता हुआ, ये भी फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन इन गेंदों को क्योंकि जांगीर लोन सेट हो चुके, अब बख्शने वाले नहीं है, अब आप दावत दे रहे हैं, उनको ललचा रहे हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी, वो तगड़े खिलाड़ी है, लगातार दो गेंदों में दो बड़े छक्के जांगीर लोन के नाम, उनका नुमाया स्कोर 81 रन, मैच जीतने के लिए 21 रन चाहे, जबकि जांगीर लोन को 19 रन चाहे अपना शतक बनाने के लिए। तो जांगीर लोन को चाहे कि वो जांगीर बख्श को ये बोले कि मुझे 1 रन दे ताकि जो 18 रन है वो मैं खुद बनाऊं। जी हाँ, तो हम इक्वेशन आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि अब 36 गेंदों में 21 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए हामिद ब्रदर्स को, लेकिन जहांगीर लोन को 19 रनों की दरकार है इस मैच में अपने शतकीय पारी बनाने का। 44 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 6 छक्के 6 चौके 5 छक्के अब तक लगाने में वो कामयाब हुए हैं। देखना पड़ेगा, हालांकि उस ओवर वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जो ही देखा, पिताजी मैदान के अंदर आए हैं, जयेश बख्शी एक बार फिर कीप इट अप डैड, और जयेश बख्शी यही कह रहे हैं कि डैड आप फिनिश करें, जिस तरह से आपने चैंपियंस कप के फाइनल को फिनिश किया था, तो यही अनुमान लगाया होगा कि आज मेरे डैड वो भी यहाँ पर जो सुल्तान वारिस के अगेंस्ट ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला चला उनको भी फिनिश करें। लेकिन ये तो क्रिकेट है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। जांगीर लोन 19 रन दूर है अपने शतक से, मैच जीतने के लिए 21 रन चाहिए, लेकिन इस गेंद को हल्के हाथों से निकाल दिया है। डीप शॉर्ट कवर पर वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, जयवर्धन है, 5 नंबर की जर्सी पहनते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है। अब जांगीर लोन आया है मैच सामना करने के लिए, 19 रन दूर है अपने शतक से, जब भी मैच जीतने के लिए 20 रन चाहिए। पांड्या जांगीर के लिए, आप सिम के काफी बार शायद डर रहे हैं पांड्या अब जांगीर लोन से, क्योंकि जिस तरह से उनका बल्ला बोल रहा है वो डर रहे हैं, वो गेंद उनके पाले में नहीं दे रहे। अब बख्शी आए समझाने के लिए लोन को, और इस बार बिलाल पांड्या इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। लगभग उनको ये एहसास हुआ था कि जहांगीर लोन ने चहलकदमी की थी और उनसे बिल्कुल दूर ही गेंद डाली थी उनके पाले से। अगली बार बिलाल पांड्या ओवर द विकेट, जहांगीर लोन के लिए इस बार स्ट्रोक खेला था लॉन्ग ऑफ की ओर से, वहां जुनेडार नजर आ रहे हैं, केवल 1 रन बनाने का मौका। इस बीच इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 139 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, अभी भी 33 में 17 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। जहांगीर बख्शी वोला बारामूला क्रिकेट अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। इस बीच बहुत बढ़िया गेंद, हालांकि मुझे लग रहा है शौकत भाई बिलाल पांड्या को थोड़ा सा वो लेट लाए हैं, और ऐसा मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा अगर उनको आगे लाते गेंदबाजी करने के लिए तो कहानी कुछ और होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगली बार जहांगीर बख्शी के लिए, इस बार फॉलो थ्रो में खेला गया स्ट्रोक था, और लेकिन जहांगीर लोन को ऐसा नजर आ रहा था कि शायद मैं पांड्या के सामने आया था, सपोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने दर्शाई है और रन नहीं दौड़ा है। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, सपोर्ट्समैन की यही निशान देते, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं आगे आया हूँ बिलाल पांड्या से, रन नहीं लिया वहां पर, अच्छी ये निशानी होगी क्रिकेट के लिए। इस बार इस गेंद को कट किया है, बैकअप लेने गेंद थी, इस गेंद को निकाल दिया है। डीप शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद थे, वो दौड़कर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है, तो चेल कदम के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला है। इस 1 रन के हिसाब के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 140 रन, 5 खिलाड़ी आउट, अब केवल 15 रन बचे मैच जीतने के लिए। यह गेंद, गेंद को थप्पड़ मार दिया है, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, और गेंद गई एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रनों के लिए। और जी हाँ, शानदार स्ट्रोक, आरिफ कटारिया वहां मौजूद था, लेकिन उनके पास कोई भी मौका नहीं, इतना तेज खेला गया स्ट्रोक था, जैसे बंदूक में गोली निकलती है बिल्कुल उसी प्रकार का ये स्ट्रोक था। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 15 ओवर की समाप्ति के बाद 143 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 30 गेंदों में 13 रनों की दरकार है, जहांगीर लोन को 14 रनों की दरकार है अपने शतकीय पारी से, 14 रन की दरकार है 13 रन जीतने के लिए बनाने होंगे। तो मुझे लगा कि सेंचुरी आज मिस करेंगे, एक अच्छा टर्न होता अगर वो यहाँ पर करते, क्योंकि आज बहुत ही खूबसूरत पारी खेली है लोन ने, तो 13 रन चाहिए अभी भी मैच जीतने के लिए, लेकिन 14 रन बचे हैं जहांगीर लोन के लिए, तो हम ये अनुमान लगा कि जहांगीर लोन अगर ये पूरा ओवर खेलेंगे तो 1 रन लेना चाहेंगे जहांगीर बख्शी साहब, तो जहांगीर लोन को सामना लाए
अगर दो चौके और एक छक्का जड़ेंगे तो यकीन तौर पर सेंचुरी का आंकड़ा वो पार कर पाएंगे इन 13 रनों में। जी हाँ, उनके पास मौका जरूर है, लगभग 800 हमारे साथ नजर आ रहे हैं। हम आशा करेंगे कि आप शेयर करके एक के हमारे स्क्रीन के सामने जरूर दिखाएंगे हमें। और जहांगीर लोन अगर नाबाद रहेंगे तो हम उनके साथ बातचीत भी जरूर कीजिए। 30 गेंदों में 13 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए हामिद ब्रदर्स को। जुनेदार और द विकेट बख्शी के लिए जो दाएं हाथ के खिलाड़ी है, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था और गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन की ओर से, वहां खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। एक रन दोनों खिलाड़ियों के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 144 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 12 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, जबकि जहांगीर लोन को चाहिए 14 रन। दो चौके और एक छक्का अगर जड़ते तो यकीनी तौर पर सेंचुरी का पास। ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया है, एक रन तेजी के साथ लिया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते लेकिन मना किया वहां पर बख्शी ने। केवल एक रन बनाने का मौका मिला जहांगीर लोन को। जहांगीर लोन का नुमाया स्कोर 87 पर पहुंच गए, 47 गेंदों में 185 का स्ट्राइक रन रेट, तो काफी अच्छी बल्लेबाजी किया जहांगीर लोन ने। एक तरफा मुकाबला किया है सुल्तान वॉरियर्स के लिए, कोई मौका नहीं छोड़ा। हालांकि दो मौके बने थे लेकिन गवाया था एक मौका वहां पर केपी ने, उसके कारण यह मैच इस वक्त हामिद ब्रदर्स की जोली में नजर आता हुआ। यह गेंद थी स्टाइलिश अंदाज में गेंद को ड्राइव किया है, मना किया वहां पर रन लेने से क्योंकि वहां पर फील्डर चौकन ने आरिफ कटारिया ने गेंद को फील्डिंग किया है, किसी रन का इजाफा नहीं। अभी भी 13 रन चाहिए, 12 रन चाहिए जबकि गेंद बचे 33। अभी भी 12 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए हामिद ब्रदर्स को। बख्शी इस बार स्ट्राइक पे, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया था, आजम बशीर के पास गेंद गई थी, उन्होंने गेंद को पूर्ण अनुमान के साथ रोक दिया था। हालांकि इस बीच रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ। बख्शी जिस तरह के बल्लेबाज है, शुरुआत में ये थोड़ा समय लेते हैं, हालांकि शौकत भाई उनको ये बोली जानता है, मालूम है कि इस मैच के जीतने वो खासा नजदीक जरूर मौजूद है। हाँ, उन्हें पता है कि अभी गेंदें बहुत बची है और जहांगीर लोन भी दूसरे साइड से सेट है, तो वो ज्यादा रिस्क नहीं ले रही है। गेंद आसिम के काफी बार, अंपायर साइमन टपल का इशारा वाइड, इस एक रन के हिसाब से स्कोर बढ़ता हुआ 147 रन। अब केवल 10 रन दूर है यह मैच जीतने से हामिद ब्रदर्स की टीम, और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए उन्हें केवल 2 स्ट्रोक चाहिए। और जहां अभी भी 12 रनों की दरकार और उनको जरूर है। जहांगीर बख्शी अगली बार फिर से स्ट्राइक पे, इस बार लेग स्टंप के आसपास फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया। हालांकि जुनेदार राज अच्छे खासे गेंदबाज रहे, बल्ले से भी कुछ ठीक ठाक ही रन निकले हैं, लेकिन ये जरूरी था कि आप गेंदबाजों को योगदान दें। जैसा कैच छोड़ा है वहां केपी ओवर ने, हालांकि आसान नहीं है ये, हम ये समझते हैं, लेकिन चूक जब आप करते हैं तो फायदा आपके लिए नहीं रहता है। जहांगीर बख्शी कैमरामैन के लिए बहुत अच्छे पोज दे रहे हैं, बिल्कुल एक स्टाइलिश अंदाज में खेल रहे हैं। हम यही कहेंगे कि डिफेंसिबल स्ट्रोक बहुत अच्छे खेल रहे हैं, जिस तरह सचिन की याद दिलाई आज बख्शी साहब ने, सचिन इसी तरह के आगे आकर ड्राइव करते हैं। जब भी आप डिफेंस स्ट्रोक खेलते हैं तो दोनों जो बल्ले का मुंह है वो स्ट्रेट रखे, आप सीधा करें, तब भी आप अच्छा डिफेंस स्ट्रोक खेल सकते हैं। जहांगीर लोन अब आरिफ कटारे का सामना करेंगे। जहांगीर लोन को चाहे 13 रन, मैच जीतने के लिए चाहे 11 रन। क्या शतक वो कर पाएंगे, हम व्यूवर से जानना चाहेंगे। ये गेंद इस गेंद को आगे आकर ड्राइव किया है, मना किया वहां पर रन लेने से, हालांकि एक रन जरूर मिलना चाहिए था, लेकिन जहांगीर लोन को पता है कि मैं बड़े स्ट्रोक से ही मैच का खात्मा करूंगा। उमर लगभग उनको 13 रनों की दरकार है शतकीय पारी से, और जीतने के लिए 12 रनों की दरकार है। अगली बार कटारिया इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, देखना होगा, और बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित भी किए हैं। जहांगीर लोन को अब 11 रनों की दरकार है शतकीय पारी से, और मैच जीतने के लिए 9 रनों का दरकार है। हाँ, ये मैच रोमांच होता जा रहा है जहांगीर लोन के लिए खासकर, क्योंकि मैच एक तरफा गया, बॉडी लैंग्वेज गिरती हुई नजर आ रही है अब सुल्तान वॉरियर्स के खिलाड़ी की, बिल्कुल उन्होंने कंधे छोड़ दिए। अब उन्हें पता है कि हम यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे चमत्कार के अलावा। आरिफ कटारिया लोन के लिए आगे आकर के उठाकर मार दिया है, बिल्कुल कैमरामैन के ऊपर से गेंद गई कोसों दूर, और देखकर जाएगी आधा दर्जन रन।
और जी हाँ, उन्होंने मेरे सहयोगी कमेंटेटर का इस बार वो लाइन चुनाई थी हमारे शौकत भाई ने, और क्या शानदार छक्का ये। लगभग अब उनको 5 रन बनाने होंगे शतक के लिए, लेकिन जीतने के लिए उनको 3 रन बनाने होंगे। अगर छक्का लगाएंगे तो यहाँ शतकीय पारी बना सकते हैं। जहांगीर लोन कोहिनूर जैसा मैं उनको कह रहा हूँ, आप भी बने रहेगा हमारे साथ। जहांगीर लोन अगली बार फिर से, और इस बार क्लीन बॉल्ड। और जी हाँ, हालांकि हंसी और के लिए जरूर नजर आ रही है, और लेकिन कमाल की पारी वो खेल कर अब वापस जा रहे हैं। शानदार पारी, जीत के लिए अभी भी 3 रनों की दरकार है। काफी निराश किया है वहां पर दर्शकों को, और अपने जो खिलाड़ी है वो सराहना करते जाएंगे उनकी इस पारी की, खड़े होकर तालियों की गूंज उनके उनसे लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मैच विनिंग नॉक खेला है जहांगीर लोन ने। 95 रनों की शानदार इनिंग्स के लिए, मैच जीतने के लिए आप 3 रन चाहिए, तो जहांगीर लोन को क्लीन बॉल्ड किया है आरिफ कटारिया ने। 5 रन अभी भी थे, मैच जीतने के लिए 3 रन चाहिए, जबकि उनको चाहिए थे 5 रन। छक्का मारने के प्रयास में क्लीन बॉल्ड हो गए जहांगीर लोन तो, लेकिन दर्शनी पारी, अच्छी पारी, मैच विनिंग पारी हम कहेंगे जहांगीर लोन के ओर। और जहाँ मेरे ऊपर भी पिछले कुछ दिनों में खासा सवाल ये चूर उठा रहे थे कि कोई दूर का नाम देकर जहांगीर लोन रन नहीं बना रहे, लेकिन आज उनका दिन था, और एक बार फिर से जिसके लिए उनको जाना जाता है फिर से उन्होंने उसी तरह की पारी खेली है। जी बिल्कुल, आज और सेट भी सही था, क्योंकि मंच जो बना था ना, उनका जो होम ग्राउंड है, जहांगीर लोन 2006 से ये इस ग्राउंड में खेलते आए नज़र आ रहे, क्योंकि डिग्री कॉलेज बारामूला के वो जब हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त इंटर हाउस टूर्नामेंट में हिस्सा थे, जहांगीर लोन कप्तान थे, मैं भी उस वक्त खेल रहा था। जहांगीर लोन ने एक पारी में 95 रनों की शानदार इनिंग्स खेली थी, वन साइड मुकाबला जितवाया था, अपनी टीम नॉट आउट 95 रन बनाए थे, आज फिर 95 रन बनाकर आउट हो गए हैं। तो यकीनी तौर पर एक शत की पारी जरूर खेलना चाहेंगे, लेकिन निराश। सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान देखिए आरिफ कटारिया कितने खुश नजर आ रहे हैं, और ये अच्छा लगता है देखिए, क्योंकि और वो जानते हैं कि हमारी टीम ने प्रदर्शन अच्छा किया है, और लेकिन हार जीत तो इस खेल का हिस्सा है। उन्होंने अपनी ओर से हर मुमकिन प्रयास किया था जीतने का। जोर जोलो अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, और पहली गेंद पे उन्होंने पूर्व सम्मान के साथ गेंद को निकालना चाह रहे थे ऑफ साइड की ओर, लेकिन रन गति में कोई इजाफा नहीं होता हुआ। लेकिन आरिफ कटारिया स्वभाव के तौर से मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छे खिलाड़ी, अच्छी पर्सनैलिटी है, क्योंकि हमेशा गेम ऑफ स्प्रिट हम कहेंगे ना, उसी के हिसाब से खेल रहे, तो वही करके दिखाया था। आरिफ लोन इस वक्त इसलिए काफ़ी खुश है, क्योंकि उन्होंने बड़ा नाम जो जहांगीर लोन ने उनको अपने झोल में कर दिया, उसकी विकेट लिए उसने, लेकिन अच्छी गेंद थी, आउट होने खतरा, लेकिन थोड़ी से एक दो कदम पीछे गिरी गेंद, नहीं तो ये एक और विकेट का पतंग होता यहाँ पर हामिद ब्रदर्स का। अभी भी 3 रन चाहे, गेंद बचे 24। आरजी फारूक कोहिनूर ने आज नहीं किया निराश, बिल्कुल फारूक भाई सही कह रहे हैं आप, और वीर जहांगीर ठुक ठुक है, शौकत सभा के कुछ लिख रहे हैं, लेकिन खाड़े फयाज क्रोगिच बधाई, प्राइड ऑफ कश्मीर नॉर्थ कश्मीर जैक लोन के बदले अगर आप कोई दूर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहता हालिया दिनों में। नहीं, जैक लोन तो पिछले कई अर्सों से उनको बुला रहे हैं, इसलिए जो युवा क्रिकेटर्स है वो उनको जैक लोन के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि कोहिनूर आपने उनको ये नाम दिया, प्राइड ऑफ ऑनर हम कहेंगे, जिस तरह से हम कहते हैं ना वो उर्दू में एक जब शेर बोलते तकल्लुस देते हैं ना, वही तकल्लुस दिया आपने कोहिनूर का, तो यकीनी तौर पर उभर कर आए, आज अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। जुनैद डार आए हैं, सामना करेंगे द वॉल जहांगीर बख्शी, अच्छी गेंद थी, फॉरवर्ड आकर गेंद को निकाला है, बड़ी तेजी के साथ एक रन मुकम्मल किया, कोशिश की थी वहां पर रनआउट की आसिम बशीर ने, लेकिन बड़ी तेजी के साथ जहांगीर बख्श ने अपना चोट बदला है। अब जूर जोलू एक फिनिशर के नाम से उनको हमेशा याद करते हैं, वो सामना करेंगे जुनैद डार का, एक कांटेदार मुकाबला इन दोनों के बीच, क्योंकि काफी अरसे से राइवलरी चल रही है जुनैद डार वर्सेस जूर जोलू, देखना किसका पलटा भारी होगा। जुनैद डार जूर जोलू के लिए एक बार फिर ये गेंद थी, जड़ में ये गेंद थी, इस गेंद को निकाल दिया है, वहां पर शॉट मैदान पर खिलाड़ी मौजूद है जयवर्धन ने, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है और रन बनाने का मौका नहीं मिला, अभी भी 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। आज जयवर्धन ने आज अपनी पारी की शुरुआत छक्के से की थी, युवा वर्षीय खिलाड़ी
लेकिन उसके बाद खराब स्ट्रोक खेलकर उन्होंने अपनी विकेट दिलाई। जहूर जोलू सामना करेंगे जुनेडर का और दो विकेट, और इस बार हमारी और किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, और इसी के साथ जीत लिया हामिद ब्रदर्स ने ये मुकाबला और ये मैच 6-4 विकेटों से जीत लिया है हामिद ब्रदर्स की टीम ने। जूर जोलू ने जो अपने आखिरी विनिंग स्ट्रोक खेला था, दर्शनी स्ट्रोक, बिल्कुल वीक में खेले खेलते हमेशा स्ट्रेट ड्राइव और गेंद गई बुन लेन पार 4 रन के लिए। इस तरह से सेमीफाइनल में प्रवेश किया है हामिद ब्रदर्स की टीम ने। यह मैच 4 विकेटों से जीत लिया है। ज़्यादा जो नुमाया स्कोर आया वो है जहांगीर लोन, जिन्होंने 95 रनों की शानदार इनिंग्स खेली अपनी टीम के लिए। लवली, और जी हाँ शौकत भाई, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस मैच का हीरो अगर आपको हमें ढूंढना है तो बिल्कुल वो कोई नूर जहांगीर लोन ही है। जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, ये तो क्वार्टर फाइनल है। अब हामिद ब्रदर्स की टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुँच चुकी है। ये बिग बैश का क्वार्टर फाइनल था, आज दिन का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल, और खिलाड़ी अब आपस में मिलते हुए बधाई देते हुए आपस में, जैसा जैसा वादिया कश्मीर के क्रिकेट में हमेशा होता है बधाइयों का सिलसिला, और ये चीज़ें हमेशा नज़र आती है। जूर जोलू ने अंत में समाप्त किया है मैच, और जुबैदार एक बार फिर से बहुत ही खुश कप्तान, एक बार फिर उन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया है, और बधाइयों का सिलसिला अब जारी हो चुका है। हम प्रयास करते हैं आपका, और यह है आजम बशीर, अगर उसकी गेंद पे वो कैच लिया होता उमर केपी ने तो लगभग कहानी कुछ अलग थी, लेकिन आजम बशीर वो खुद जानते हैं, और ये एक वजह रही है कि उनके चेहरे पे जो हंसी है वो बहुत कुछ बयान करे। आजम भाई आपके स्क्रीन के सामने, हालांकि आज प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था, लेकिन फील्डर अगर योगदान देते तो ज़्यादा कुछ अच्छा रहता। और जूर जोलू एक बार फिर से नाबाद होकर वो अपनी टीम को मैच जिताने की पारी वो खेल रहे थे, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने भी देख सकते हैं। ये हामिद ब्रदर्स का डगआउट, और जूर जोलू नाबाद होकर डगआउट की ओर आ रहे हैं, और ये लीजिए आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे हैं, ये हामिद ब्रदर्स का आप डगआउट देख रहे हैं, और जहांगीर लोन कोही नूर वही डगआउट में इस समय नज़र आ रहे हैं। जुबैर भाई और साजिद आमला तमाम खिलाड़ी इस समय आपस में बातचीत कर रहे हैं, और बधाइयों का सिलसिला भी अब शौकत भाई जारी हो चुका है। जी बिल्कुल लवली, क्योंकि एक अच्छा मुकाबला था, कांटेदार मुकाबला होने वाला था, लेकिन उसमें कामयाब हुए हामिद ब्रदर्स की टीम। जैक लोन का अच्छा आज दिन था, उन्होंने अपनी टीम के लिए 95 रनों की शानदार इनिंग्स खेली, अपनी टीम को विजेता दिलाई। हम ज़रूर जैक लोन से बुरहान नबी को यहाँ स्पॉन्सरशिप मिलती हुई जेके की ओर से, और अच्छा चीज़ नज़र आ रहा है, क्योंकि युवा खिलाड़ियों को जब आप ये चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज़ वहाँ नज़र आ रही है। हमाद ब्रदर्स के तमाम खिलाड़ी, और हालांकि उनका नाम आज अलग है, लेकिन जिस तरह का वो क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत ही सराहनीय। आपने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर भाई आपके साथ नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल हम उनसे बातचीत नहीं करना चाहते, और उन्होंने पारी बहुत कमाल की खेली है, 5 रन जो है दूर रहे हैं, और आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहेगा हमारे साथ, और जुड़ते रहे, देखते रहे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच। और लेकिन मैन ऑफ द मैच से जहांगीर भाई को यहाँ ज़रूर नवाजा जाएगा, और आपके स्क्रीन के सामने, और ये लीजिए क्या शानदार पारी, 95 रनों की पारी, और गेंदबाजी से भी कुछ विकेटें उन्होंने चटकाई है। जहांगीर लोन, जिसको वादिया कश्मीर का कोई नूर माना जाता है, वो मैन ऑफ द मैच इस समय लेते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के।